जा रहा हूँ और जिसका नाम है, हाँ जी, जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई रिपीट, नाम है क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। तो वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, है ना। सो मैं आपको कहूँगा कि सर आप लोग नो डाउट स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट। स्टडी करके क्या करेंगे? अच्छा, जॉब करेंगे, वेरी नाइस। जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यही करेंगे और कुछ करेंगे? नहीं, यही करेंगे। मतलब जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिजनेस करेंगे, यही करेंगे। अच्छा, जॉब प्रैक्टिस बिजनेस करके क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पैसा कमा के क्या करेंगे? खर्च करेंगे, राइट। पैसा कमा के क्या करेंगे? खर्च करेंगे, राइट। अच्छा, पैसा कमा के खर्च करने वाले दुनिया में कम है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे। जब सारे के सारे पैसा कमा के खर्च कर रहे हैं तो क्या सभी के सभी सुखी हैं? नहीं। तो सुखी होने के लिए, मतलब ऐसे कहो कि हम लोग अगर ऐसे गैप में जाना चाहते हैं जहां पर कि एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ होती है, तो उसमें जो है छोटी सैलरी, कम सैलरी से काम नहीं चलता। उसमें जो है आपके पास एक बहुत बड़ा सा बैकअप होना चाहिए। यस और नो? यस। तो बहुत बड़ा सा बैकअप मतलब कितना बड़ा बैकअप होना चाहिए, कितना बड़ा अमाउंट आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो लाइफ है पूरी की पूरी एक अच्छी इत्मीनान से बीते। 5 लाख रुपए इन्होंने बोला, 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ, राइट। तो काश कुछ ऐसा हो जाए कि 5 लाख रुपए पर मंथ हर एक तारीख को अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाए, राइट। एक व्हाट्सएप भी आया था कि मोदी जी जब आ जाएंगे तो इतने लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैक मनी ले आएंगे, और आज तक तो कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है, भगवान करे मतलब आगे जाके फ्यूचर में ऐसा हो। पर सर हर कोई चाहता तो यही है, राइट। अब जब ये चाहता है तो इस चाहत के लिए वो करता क्या है? हाँ जी भाई, एक बंदे की सैलरी जो है 50,000 रुपये की है, 50,000 रुपये पर मंथ है, राइट। बताओ कि 50,000 पर मंथ पैसा कमाने वाला बंदा, चलो स्टार्टिंग करते हैं किससे, 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये पर मंथ वाला जो पर्सन है वो कितना सेव कर पाता होगा? उससे पूछो, भाई 10,000 रुपये कमा रहा है, बताओ कितना कितना सेव कर पा रहे हो? वो पूछो मत, 10,000 की सैलरी से तो काम ही नहीं चलता। इतने सारे खर्चे हैं, इतने सारे खर्चे हैं कि 10,000 रुपये तो जिंदगी जो है जी नहीं जाती है, जिंदगी काटी जाती। मैंने नहीं बोला, उसने बोला। अच्छा, तो उससे पूछो भाई कितनी सैलरी चल रही चाहिए, तो वो कहेगा कि सर 20,000 रुपये महीना हो जाए ना, उसके बाद जिंदगी जो है सुकून से, इत्मीनान से बीतेगी। अब जिसके पास 20,000 की सैलरी है उससे पूछो, उसकी हालत तो 10,000 वाले से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि उसके जो खर्चे हैं, उसके जो ईएमआई का स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। ईएमआई सबसे ज्यादा किसकी, कौन सी चीज की आती है? सबसे ज्यादा बड़ी ईएमआई होती है होम लोन की, राइट। उसके बाद होती है कार लोन की, उसके बाद होती है एसेसरीज की, राइट। किसी ने जो है नया एसी ले लिया, किसी ने जो है कंज्यूमर गुड्स जिसे आप कहते हो, राइट, तो लैपटॉप ले लिया इसका। तो ये जो ईएमआई वाला चक्कर होता है ना, ये 20,000 वाला महीना वाला बच्चा बंदा कहता है यार इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। अच्छा, 50,000 वाले से पूछो क्या कहते हो, 50,000 वाला अपने सारे खर्चे गिनवा देगा, कहता है 50,000 रेंट जाता है मेरा 20,000 रुपये का, अच्छा घर के खर्चे हो जाते हैं 20,000, पेट्रोल की किस्त है 10,000, मतलब कार की किस्त है 10,000, उसके बाद स्कूल के बच्चों के मतलब नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, 1 लाख वाले से पूछो, 1 लाख वाला भी बड़ा परेशान है, राइट। जब मतलब 1 लाख में भी परेशानी है, 50,000 में परेशानी है, 20,000 वाला, 10,000 वाला बेचारा क्या करेगा, राइट। अब इस पर्पस के लिए एक मिस्टर वॉरेन बफेट जी हुए हैं, राइट, जो कि दुनिया के नंबर 2 पर हैं इन द रिचेस्ट पर्सन, राइट। तो वॉरेन बफेट जी कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले एक करके आएगा ये सब, 1 मिनट। वॉरेन जी बफेट जी कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग,
हाँ जी, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। एंड ही इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ही सेज कि सर आप अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 10% नहीं 20% हिस्सा कम से कम सेव करो। अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 तक है, अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, 1,00,000 के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो 30% 35% जो है अमाउंट सेव करना चाहिए। उसके बाद जो बच जाता है ना उसको खर्च करने की सोचो, अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो। राइट, मतलब ये कि सबसे पहले बात तो ये है कि अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेविंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेविंग्स। अगर सेविंग नहीं होती है इंडिया में तो यकीन मानो अमीर बनना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। राइट, अब सेविंग होना सबसे पहला स्टेप है। राइट, अब सेविंग करने के लिए सपोज करो आपने सोच लिया, मतलब पर्सन ने सोच लिया, अब सेविंग तो सोच ली कि सेविंग करनी है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सोचना कि जो सेविंग है वो कहां पर करनी है। क्यों भाई, अगर यही नहीं पता कि सेविंग कहां करनी है तो सेविंग करके भी क्या कर लोगे। राइट, ज्यादातर लोग सेविंग के बारे में बात जब भी सोचते हैं ना तो उनके मन में आता है बैंक, और बैंक का क्या, सेविंग अकाउंट। राइट, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि बैंक में सेविंग करते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि सिगरेट पीते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि बड़ी बड़ी EMI पे करते हैं। आप करो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहा सर बैंक में लोग सेविंग करते हैं, बैंक में जब ये लोग सेविंग करते हैं तो इनको 4% का रेट मिलता है। राइट, वही बैंक जो है आगे 12% 15% में आगे इन्वेस्ट करता है। राइट, और हम जैसे लोग ऐसे ही बैंकों के शेयर परचेज कर लेते हैं, और हम जैसे लोग जब ऐसे बैंकों के शेयर्स परचेज करते हैं तो ऐसे बैंक से शेयर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों के कारण से हमारा अपने आप से प्रॉफिट हो जाता है। जो बच्चे जो सिगरेट पीते हैं, मुझे बड़े पसंद है, ये लोग सिगरेट पियेंगे ITC का शेयर अपने आप से बढ़ेगा, ये लोग सिगरेट पियेंगे ITC का शेयर बढ़ेगा और हमारी वैल्यू नेटवर्क बढ़ती रहेगी। जो लोग EMI पे करते हैं बड़े पसंद है, पूरा जिंदगी लगा देते हैं EMI पे करते हुए, उनको पता ही नहीं कि EMI क्यों पे कर रहे हैं। राइट, कभी कभी तो पूछना पड़ता है, भाई साहब ये EMI कटी है बताओ ये क्यों कटी है। इतनी सारी EMI चल रही होती है, उनको याद ही नहीं आता कि, बट सर वो EMI पे कर रहे होते हैं और हमारा जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा होता है, दैट इज गुड। राइट, सो बड़े लोग मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि बैंक में सेविंग करते हैं जिसमें उनको रेट क्या मिलता है, 4%। और वो जो यही वाला पैसा अगर वो PPF में भी डाल दें तो 7.5-8% मिल जाएगा, अगर यही पैसा LIC में डाल दें तो 6.5% मिल जाएगा, और ऐसे ही अगर ये गोल्ड में ले लें तो हो सकता है कि रेट उससे ज़्यादा हो। अगर गोल्ड में ना परचेज करें, अगर रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें तो पैसा रिटर्न बढ़ सकती है। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ETF, इक्विटी। मतलब मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया बेसिकली, नो डाउट बैंक सेविंग अकाउंट, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया बैंक की FD फिक्स डिपॉजिट, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, यस प्लीज, गोल्ड, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया रियल एस्टेट, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया म्यूचुअल फंड, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया ETF, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया डिबेंचर्स, डेप्ट मैंने बोल दिया। तो सर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। राइट, और इंडियन सेविंग से ना गवर्नमेंट हमेशा परेशान है। इंडियन जो लोग जो सेविंग करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ सेव करते हैं, गोल्ड। पापा के पास पैसा आए वो मम्मी के लिए सबसे पहले रिंग ले आए। राइट, उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं अगली बार जब पैसे आएंगे ना तो मुझे अब चेंज चाहिए, अगली बार जब पैसे आएंगे तो मुझे ये चाहिए। पापा को लगता है यार घर वाले भी खुश और इन्वेस्टमेंट भी हो रही, दोनों बातें हो गई ना। अच्छा यकीन मानो दो दो चीज़ें हो गई, एक तो खुशी मिल गई और दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गई। बट सर गोल्ड क्या वाकई में हमेशा हमेशा रिटर्न प्रोवाइड करता है? आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड एक अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड इज अ इन्वेस्टमेंट, नो डाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड करती है, पर क्या वाकई में गोल्ड आपको या किसी भी इंडियन पर्सन को हमेशा हमेशा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, दैट इज नॉट श्योर। आपको को नहीं सर हमने बचपन में सुना था इतने का गोल्ड था आज इतने का है, तो सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड इतने लंबे समय में 15 साल में या 20 साल में चेंज नहीं हुआ।
मैंने कहा कि क्या हर साल गोल्ड का रिटर्न इंक्रीज होगा, मतलब CAGR जिसको कहते हैं, कि क्या हर साल CAGR गोल्ड में अराइज होगी? क्या सुनो, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, राइट? मतलब ये क्या हो गया, सर्टेन हो गया, अनसर्टेन हो गया? अनसर्टेन हो गया। अच्छा, मुझे बताना, मैंने आपको म्यूचुअल फंड बोला, तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न अराइज होगी ये सर्टेन होगी या अनसर्टेन होगी? दैट इज अगेन अनसर्टेन। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट के ऊपर, कि निफ्टी सेंसेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर मार्केट इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली रिटर्न राइज होगी, अगर मार्केट इंक्रीज नहीं कर रही, मार्केट डिक्रीज कर रही है, तो रिटर्न राइज नहीं होगी, राइट? अच्छा, ETF ऐसे डेप्ट, अच्छा डेप्ट में रिटर्न राइज होगी, होगी तो कितनी राइज होगी? इसमें भी 8% से 9%, जैसे कि आजकल इंडिया बुल हाउसिंग हाउसिंग कंपनी है, उसके जो है डेप्ट इशू हो रखे हैं, राइट, जो कि 9.5% आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने? 9.5%। DHFL के बहुत सारे डेप्ट निकलते रहते हैं जो कि 8.5-9.5% रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? मतलब इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, राइट? पहले तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। अगर सारे पैसे FD में लगा दें तो इज इट गुड गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न मिलती है वो रिटर्न बहुत बड़ी रिटर्न नहीं होती। इससे जो सपना होगा ना 5 लाख रुपए महीने का अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने का, वो सपना पूरे होने वाला नहीं है, राइट? आपको बोल सर कैसे नहीं पूरा होने वाला? सर अभी आपको याद होगा जब टाइम वैल्यू मनी हमने किया था तो बताया था कि 8%, 9%, 10%, 12% और 15% में कितना फर्क होता है। म्यूचुअल फंड में भी हमने किया था, राइट? राइट, तो यहाँ पर जो रेट होता है वो कितना होता है? जनरली 8%, वो भी टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? इट इज अगेन टैक्सेबल, राइट? तो सर मुझे बताओ, अगर आपको इनमें से किसी एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, एक इक्विटी भी है ऑप्शन, मैंने इक्विटी भी लिख दिया, तो इनमें से दी बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? इक्विटी होगा, रियल एस्टेट होगा, FD होगा, या क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन आप बताया म्यूचुअल फंड। आई एम नॉट सेइंग दैट म्यूचुअल फंड इज माई चॉइस, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने बताया म्यूचुअल फंड। पर सोचो अगर म्यूचुअल फंड आपने सारा पैसा लगा दिया, राइट, पर मार्केट में कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गई और निफ्टी डाउन हो गई, तो म्यूचुअल फंड से भी आपको क्या रिटर्न अराइज होगी? पर गोल्ड से हो सकती है, रियल एस्टेट से हो सकती है, राइट? तो सर हमेशा हमेशा म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने पास डेटा लिया है, इस पास डेटा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न को एनालाइज किया गया है ऑफ द लास्ट डिफरेंट ईयर्स। हाँ जी, देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है? सेविंग बैंक, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर है, विजिबल है। अच्छा, तो सेविंग बैंक, शॉर्ट टर्म होरिजन, लो रिस्क, लिक्विडिटी हाई, कितना रिटर्न मिलता है? 4-7%। टैक्स ऑन इनकम अर्न, यस, टैक्स फ्री होता है 10,000, उसके बाद तो टैक्सेबल होता है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट, 7 से 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड रिटर्न कितनी होती है? 6 से 10%। RD, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हम लोग हर महीने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? 8 से 10%। अगेन फिर से टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। NSE, PPF आपने सुना हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने सुना हुआ है, कितना रेट? 7 से 15%। अच्छा, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट 8 से 12%, रियल एस्टेट 5 से 40%। रियल एस्टेट, आपने फ्लैट में परचेज, आपने एक फ्लैट परचेज कर लिया, अब फ्लैट जो परचेज कर लिया, क्या फ्लैट आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा ही करेगा? कोई जरूरी नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर जो है फ्लैट्स, मतलब रियल एस्टेट में भी कोई कोई अच्छी खासी रिटर्न प्रोवाइड नहीं की, मतलब 5 से 40% लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है 5% रहा है। फिजिकल गोल्ड 5 से 20%, शेयर्स 0 से 25%, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी 8 से 25%, डेप्ट 7 से 15%, लिक्विड फंड। सर जो ये रेंज दी हुई है, मतलब ये अनसर्टेनिटी है, राइट, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई 100% श्योर नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं सर गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो सर मेरे पास एक चार्ट है, इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि BSE सेंसेक्स, सेंसेक्स जो है मतलब मार्केट जो है वो पास्ट 2000 से लेकर 2014 तक किस ट्रेंड से बढ़ी है, नीचे, उसके बाद ऊपर 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 ऊपर,
फिर नीचे 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 और फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। मतलब जिस बंदे ने यहाँ इन्वेस्ट किया यहाँ पर 2001 में, राइट, उसके लिए तो आज के टाइम में मार्केट बहुत कई गुना दे चुकी है। पर सोचो जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया, जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं, राइट। जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया उसके लिए मार्केट बहुत अच्छी है, राइट। अच्छा, ये हो गया बीएससी सेंसेक्स। बीएससी सेंसेक्स और गोल्ड में एक बार कंपैरिजन देख लिया जाए, गोल्ड एंड बीएससी सेंसेक्स। आपके पास दो लाइनें दिख रही हैं आपको, और इसमें जो ब्लू है वो गोल्ड है और जो ये ऑरेंज है वो सेंसेक्स है। तो देखो कैसे चल रहा है, गोल्ड नीचे सेंसेक्स ऊपर, फिर सेंसेक्स नीचे गोल्ड ऊपर, फिर गोल्ड नीचे सेंसेक्स ऊपर, फिर गोल्ड ऊपर सेंसेक्स नीचे, फिर गोल्ड ऊपर 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 सेंसेक्स नीचे 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 नीचे, राइट। तो सर मुझे बताओ मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट या गोल्ड कौन सा बेस्ट है? मार्केट के अंदर सब लोग आपको कोई ना कोई एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? आप टीवी चैनल खोलो, उसमें आपको एडवाइस प्रोवाइड करेगी बाय गोल्ड, राइट। दूसरा चैनल लगाओ, वहां पर बोलेगा सेल गोल्ड। तीसरा चैनल लगाओ, बोलेगा होल्ड गोल्ड। मतलब एक्सपर्ट हैं, जो टीवी चैनल पे आ रहा है वो एक्सपर्ट होगा या ऐसे ही कुछ होगा? एक्सपर्ट होगा, ऑब्वियसली एक्सपर्ट होगा। अब जो ये एक्सपर्ट होंगे ना, वो एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी ओपिनियन है, ओपिनियन है, राइट। आरबीआई के गवर्नर से भी पूछो ना कि भाई बताना कि मार्केट का क्या हाल होगा फ्यूचर के अंदर, वो कहेगा भाई साहब ये तो मैं भी नहीं बता सकता। मार्केट कैसे चलती है? डिमांड सप्लाई, डिमांड ज्यादा प्राइजेस अप, और डिमांड कम प्राइजेस डाउन। डिमांड कब आएगी सप्लाई कब आएगी ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। सब लोग जो हैं एक ना एक कुछ ना कुछ आपको मतलब टीवी चैनल्स पे आकर या वैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, और बस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं? बड़ा सिंपल है। कैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं? बड़ा सिंपल है। क्या करते हैं? अपने दिल पे हाथ रखते हैं और दिल पे हाथ रख के अपने पूछते हैं कि क्या होने वाला है। वो सोचते हैं यार मार्केट जो है अच्छी चल रही है, मतलब बुल मार्केट है, बाय। सारे के सारे लोग बस एडवाइस करते हैं, बट सर 100% कोई उनसे बोलो कि भाई अगर तुम्हें पता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने ही वाली है तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हटा के उसमें डाल दो, इक्विटी में डाल दो। क्यों? कोई गुना हो जाएगा पैसा। एडवाइस देने के लिए आपको टीवी पे आने के लिए फीस लेने की क्या जरूरत है, राइट। मतलब पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही स्टोरी होती है, कौन सी चीज कब अप जाएगी और कौन सी चीज कब डाउन जाएगी किसी को पता नहीं। तो सर क्या कहते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हाँ, 5 लाख पर मंथ का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। अगर नहीं करेंगे तो आपने बहुत लोगों को देखा हुआ है, सुबह जाते हैं महीने पूरे महीना काम करते हैं, उनको मालूम है कि 5 तारीख को सैलरी आएगी। 5 तारीख को जो सैलरी आने वाली होती है उन्होंने पूरा हिसाब लगाया होता है कि 5 तारीख की जो सैलरी है वो कहाँ कहाँ पर जाने वाली है, फिर अगले महीने काम करना शुरू कर देते हैं। क्या यही जिंदगी हमेशा चाहिए? यही जिंदगी भी नहीं चाहिए। तो सर इस पर्पज के लिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं, मतलब वॉरेन बफेट इज द मतलब गीता कुरान ऑफ द फाइनेंस, राइट, इज द गीता कुरान ऑफ द फाइनेंस, बिलीव मी। वॉरेन जी बफर जी कहते हैं, ये तो हमने देख लिया है, दीज आर द बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड। वॉरेन बफर जी कहाँ पर हैं? हाँ जी, वॉरेन बफर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। मतलब क्या करें? डाइवर्सिफाइड। क्या करें? डाइवर्सिफाइड मीन्स अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है ना उस इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड। डोंट से कि आई हैव टू बाय द गोल्ड ओनली। हमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड नहीं चाहिए, मैं कहा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए तो क्या करें?
हम अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इन्वेस्ट करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से होंगे? हाँ जी हाँ जी, डिफरेंट प्लेसेस कहाँ कहाँ से कौन कौन से होंगे? यस प्लीज। डिपॉजिट्स मतलब एफडीज, एफडी किस पर्पज के लिए? लिक्विडिटी के लिए। जब कभी हो सकता है कि आपको, मतलब सबसे पहले कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करने से पहले सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म को सिक्योर करो। शॉर्ट टर्म को कैसे सिक्योर करो? आने वाले 6 महीने के लिए जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने इक्विटी में लगा दिया पैसा और डाउन हो गया तो मजबूरी इमरजेंसी आई तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जबकि सस्ता, जब इक्विटी मार्केट में रेट डाउन है तो कौन से वाला टाइम है ये और परचेज करने का? और उस समय आपने विड्रॉ कर लिया तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। प्रॉफिट कब होगा? जब आप सस्ते में खरीदोगे और महंगे में बेचोगे। तो सबसे पहले तो डिपॉजिट, मतलब आपके जो आने वाले 6 महीने की इमरजेंसी है, फंड्स हैं, वो 6 महीने की वैल्यू, मतलब 6 महीने की जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके डिपॉजिट में होने चाहिए। और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? शेयर्स, फॉरेक्स, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स यानी कि डिवेंचर्स, शेयर्स, एन्यूटीज, मतलब सिप बोलते हैं उसको हम लोग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह, प्रॉपर्टी, यूनिट ट्रस्ट एंड अगेन। राइट, मतलब हमें क्या करना चाहिए अपने फंड्स को? यस प्लीज, डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। राइट, अब इस डाइवर्सिफाइड करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? फंड्स को डाइवर्सिफाई जब हम करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से जो सबसे बड़ा फायदा होता है डेट इज मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। हमारा जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। आपको सर कैसे मिनिमाइज हो जाता है? सर अब आप सोचो, आपने जो है कुछ गोल्ड बाय किया हुआ है, आपने जो है कुछ म्यूचुअल फंड परचेज किए हुए हैं, कुछ शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ एफडी भी की हुई है और आपने जो है पीपीएफ में भी पैसा लगाया हुआ है, अपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपने एनएससी भी परचेज किए हुए हैं और आपने एनपीएस में भी पैसा लगाया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स। राइट, अगर मान लो शेयर्स में भी आपने 10 शेयर परचेज किए हुए हैं, उसमें से कोई एक शेयर अगर डाउन हो भी गया, राइट, मान लो किंगफिशर परचेज किया था हमने, किंगफिशर डाउन हो भी गया, जीरो हो भी गया, अब उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? बाकी भी इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वैसे कोई अपने लॉस स्टोरी नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, एक कंपनी है ट्री हाउस, समझा आपने, ट्री हाउस। राइट, अब ट्री हाउस में मैंने पैसा लगाया। राइट, आप बताना मुझे, आप पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे? ये शेयर 400 पे गया। राइट, 400 पे जाने के बाद, ये एजुकेशन कंपनी है बेसिकली, इट इज ए एजुकेशन कंपनी। राइट नाउ ट्री हाउस एजुकेशन जो है वो जी लर्न के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। आप बताना पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे? उसके बाद ये ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर ये 200 पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और उसके बाद ये 150 पे आ गया। राइट, अब 150 पे आके मैंने यहाँ पर इसको, अच्छा आप बाय करोगे या नहीं? बाय करोगे? कहाँ से घूम के आया है? 400 रुपये पे मैंने कितने में बाय कर लिया? 150। कितने शेयर बाय कर लिया? सपोज 1000। राइट, तो कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई सिर्फ और सिर्फ? 15000, 1.5 लाख। राइट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये 500 कर लेते हैं, आपको 1.5 लाख ज़्यादा लगेगा, 75000। राइट, अब जो उसके बाद फिर ऊपर गया, सेल नहीं किया, लॉन्ग टर्म है, डाउन हो गया, डाउन ऊपर, इसके बाद ये आ गया 75, 500 और बाय कर लिए। राइट, तो आप कितने में हो गया? 37500। इन्वेस्टमेंट आप टोटल कितनी हो गई है? हाँ जी, ये जो 1,12,000, 112500। राइट, और आज के डेट में जो है वो ये शेयर अराउंड 34-35 रुपये का है। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? लॉस हो गया। पर सर ये जो मैंने परचेज किया हुआ था ना, ये परचेज किया हुआ था जस्ट 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट।
कितना? 1%। 1% मतलब अगर मैंने टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख का 1% कितना हो गया? 10 हजार। 10 लाख रुपए का 1% कितना हो गया? 10 हजार। तो मैंने ये अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था इस वाली कंपनी में वो मैक्स मतलब कितना किया था? 10 हजार। अब 10 हजार रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। बट सर मेरे बाकी के 9,90,000 जो हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और वो बहुत अप हो रहे हैं। अब बताना इस 10 हजार रुपए के डाउन होने से मुझे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 10 हजार की इन्वेस्टमेंट मेरी 5 हजार हो भी गई है, 5 हजार का नुकसान हो भी गया है, तो दूसरी कंपनी में मुझे जो है 1 लाख का जो फायदा हुआ है, एक में 50 हजार का फायदा हुआ है, तो वहां से ये सब क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा, राइट। बट सर मैं क्या स्टार्टिंग में ये पता लगा सकता था कि ट्री हाउस एजुकेशन ये ऐसी कंपनी है जो कि डाउन होने वाली है? ऐसा नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जो प्रॉफिट मतलब लॉस लॉस जो है मेरा कम हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, राइट? आई थिंक क्लियर। सो हमें क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन करके अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बोलो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट जब प्लेसेस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें अब हमारा जो कम्बिनेशन होगा, कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा? हमारी कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा। जो कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा ना, इसी को हम बोलेंगे पोर्टफोलियो, राइट? सो व्हाट डू मीन बाय दिस पोर्टफोलियो? कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वाई दिस पोर्टफोलियो इज नेसेसरी, कंपल्सरी, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, और यू कैन से इन ऑर्डर टू यू कैन से डाइवर्सिफिकेशन, इन ऑर्डर टू यू कैन से हैव ए गुड रिटर्न इन द फ्यूचर, बिकॉज नोबडी नोज विच इन्वेस्टमेंट विल गो अप इन फ्यूचर एंड विच इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन इन फ्यूचर। आई थिंक क्लियर। सो दैट इज वाई पोर्टफोलियो चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, पोर्टफोलियो चैप्टर को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, राइट? हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली जो आपके साथ बातें करेंगे ना, वो रिस्क एंड रिटर्न के बारे में करेंगे, राइट? देखो, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हो, तो रिटर्न को हायर करने के लिए, रिटर्न को हायर करने के लिए आपका जो रिस्क लेवल होगा वो हमेशा हमेशा हाईएस्ट होगा, राइट? यकीन मानो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एनसीएफएम में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसमें कि कोर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को रिलेटेड ही है, जिसमें कि जो भी कोर्स कंप्लीट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास जाके उसको एडवाइस करता है कि उसको कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, ईटीएफ में करना चाहिए, मतलब दे आर मतलब वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक कोर्सेज ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि सिर्फ क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि उनको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, एडवाइस का मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने देखो, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस करेंगे कैसे? जब मार्केट डाउन होगी तो ये एडवाइस करेंगे कि इक्विटी में चले जाओ, और जब मार्केट अप होगी तो बोलेंगे कि इक्विटी से बाहर निकल आओ, राइट? जैसे कि आज के टाइम में जो मार्केट है, समझो ना, 2007-08 में, 2007-08 में मार्केट 22 हजार पे गई थी। मार्केट जब मैं बोलता हूँ तो शायद आपने वर्ड सुना होगा सेंसेक्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स, 22 हजार के आसपास चली गई थी। उसके बाद मार्केट डाउन 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 चली, और डाउन जाके हुए मतलब इसने एक बार तो 8,000-9,000 के आसपास को टच किया है, फिर वापस मार्केट अप हो गया, आज के डेट में कितने पहुंच गए? यानी बड़े 28,500 के आसपास। और अब मुझे बताओ, मार्केट अप है या डाउन है? ये मार्केट जो है वो अप है या डाउन है? अप है। अब अगर अप है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, या नहीं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जाने के चांसेस नहीं है। अगर मान लो मार्केट जो है इसके बाद 32 हजार पे पहुंच जाती है, तो अब अभी भी क्या है? अब तो फिर एग्जिट कर देना चाहिए।
उसके बाद अगर मार्केट 40,000 पे पहुंच जाती है तो क्या होगा? यकीन मानो, जब 40,000 पे पहुंच जाएगी ना, तब पूरी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया के लोग मार्केट में आना शुरू करेंगे। क्यों क्यों आना शुरू करेंगे? क्योंकि उन्होंने पंजाब केसरी में भी ये पढ़ लिया होगा कि मार्केट अप जा रही है। अभी पंजाब केसरी में ऐसी कोई न्यूज़ आती है क्या? मुझे मालूम है आप नहीं पढ़ते हैं, पर सर पंजाब केसरी वाला भी ये लगा देगा, गृह शोभा भी लगा देगा कि मार्केट जो है अब जाने वाली है। मतलब सारे के सारे ऐसे ऐसे चैनल्स ऐसे जो कि मार्केट में बात नहीं करते, जब 40,000 पे पहुंच जाएगी ना, तब सभी के सभी लोग जो हैं मार्केट में आना शुरू करेंगे। राइट, अब बताना उसका मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी? राइट, तो आप तो कह रहे हो कि मतलब ये पता लगाना कि मार्केट कब अप है और कब डाउन है, यानी कि टाइमिंग ऑफ द मार्केट इसको हम बोलते हैं, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सभी के सभी, मैंने कहा ना, एक्सपर्ट क्या बोल रहे होते हैं? बाय करो, होल्ड करो, सेल करो। क्यों, कैसे बोल रहे होते हैं? दिल पर हाथ रखकर। कैसे बोल रहे होते हैं? दिल पर हाथ। वैसे दो तरह के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, पर जितने भी एनालिसिस हैं दे आर बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। बट सर मार्केट पास्ट को नहीं देखती है, मार्केट फ्यूचर को देखती है। राइट, मैंने सर आज के डेट में, आज से 6 महीने पहले, जस्ट बैक बिफोर 6 मंथ्स, 6 महीने पहले, यकीन मानो, रिलायंस का जो शेयर था मैंने 960 रुपये में लिया। कितने में? 960 में। अब सर तब पूरी न्यूज़ थी कि रिलायंस जो है वो जियो लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा पता नहीं है। पूरी न्यूज़ थी जब जियो लॉन्च होगा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर एक्सेप्ट एक्चुअल में करेंगे ये कोई मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इसके 100 शेयर्स ले लिए। राइट, तो कितने हो गया? 96 मेरी ये इन्वेस्टमेंट हो गई। राइट, अब जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, अब इसमें इसका जो प्राइस है वो 1150 के आसपास। राइट, अब जब जियो लॉन्च हो गया तो पता चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब जब मार्केट में एक्चुअल में कुछ हैपनिंग हो जाती है ना, तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। राइट, पर इस समय जो मार्केट में मैंने देखा वो क्या देखा? पास्ट या फ्यूचर? अगर मैं पास्ट को देखूं तो रिलायंस 5 से पिछले 6 साल तक कोई खास रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर मैं पास्ट को देखूं तो मुझे परचेस करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। पर अगर मैं फ्यूचर को देखूं तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो मार्केट जो हमेशा फ्यूचर को देखती है, पर लोग कैसे खरीदते हैं किसी शेयर को? पास्ट को देखकर। ट्रियास मैंने आपको बोला, बताया, वो हमने कहा आपको क्या दिखाया? आपको दिखाया पास्ट, क्योंकि पास्ट के अलावा हमारे पास किसी भी शेयर को या किसी भी चीज को देखने का कोई और रास्ता होता ही नहीं है। मैंने कहा गोल्ड परचेज करना है। आप गोल्ड कैसे, मतलब परचेज क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है आपकी मम्मी ने जब परचेज किया तब इतने का था, मम्मी ने जब एक बच्चे की शादी के लिया तो इतने का था, और आज जो है वो इतने का है। तो आपने क्या देखा? पास्ट देखा। तो पास के बेसिस पर आपने गोल्ड परचेज कर लिया। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? पास, क्योंकि पास के अलावा हमारे पास कोई और ट्रेंड, हाँ जी, कोई और ट्रेंड होता ही नहीं है। कोई और ट्रेंड होगा तो ही तो आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे ना। राइट, तो मार्केट का अता पता नहीं होता। मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आगे चले। हाँ जी बच्चों, डन। तो सर मार्केट में अप और डाउन का तो पता होता नहीं। अब आप कहोगे सर फिर हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एडवाइस कैसे करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो एडवाइस करता कैसे है ना? तो बच्चों देखो, पोर्टफोलियो मैनेजर जो एडवाइस करता है वो एडवाइस मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए तो जरूर करेगा करेगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो ये वाला चल रहा है। बट सर इसके अलावा हमेशा हमेशा ये देखा जाएगा कि आपकी रिस्क लेने की पावर कितनी है, आपकी रिस्क लेने की पावर कितनी है। राइट, अब मुझे बताओ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, ये CA, CMA, CS, ये सब अच्छे कोर्सेज हैं या नहीं? यस, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, क्या इसमें कभी इसका इनका फ्यूचर जो है लो होगा? नहीं, होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब मैंने कहा मेरे पास एक नया एक बच्चा आ गया, उसने कहा कि सर मेरे घर में ये फाइनेंशियल एक इशू है,
अब मैं कोर्स करना चाहता हूँ, मैं उसको आंखें बंद करके बोल दूँ कि भाई ये वाला कोर्स कर ले? नहीं, मैं उससे पहले पूछूंगा, क्या पूछूंगा, भाई बता रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है सर मैं आपको 6 महीने का टाइम दे सकता हूँ, 6 महीने में बता दो कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं कमाने लायक हो जाऊँ। बताना 6 महीने में कुछ हो जाएगा क्या? अब इस पर्सन की अब मुझे जो है इसको एडवाइस जो करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि सीए सीएम सीएस होता है, मुझे इसलिए एडवाइस करना पड़ेगा कि उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग एडवाइस नहीं कर सकते, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि हम एडवाइस तो तब करेंगे जब इसके रिक्वायरमेंट का पता चले। सोचो मतलब ये आपने मुझे आसान कर दिया समझाना, ये पर्सन है, ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, ऑलरेडी रिटायर्ड है, इसको 10 लाख रुपए का अमाउंट मिला रिटायरमेंट पर, राइट? ही हैज 10 लाख रुपीज अमाउंट, राइट? अब ये कहता है सर मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे एडवाइस करो कि मुझे इस 10 लाख को कहाँ लगाना चाहिए। अब मैं आंखें बंद करके इसको बोल दूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में लगा दे, इसकी एज के मैंने भाई आपकी सर आपकी एज कितनी है? वो कहता है सर मेरी एज है 75 ईयर्स। और उससे मैं बोलूँ कि भाई एक काम कर म्यूचुअल फंड में लगा दे, 15 साल के अंदर 15 साल के अंदर तेरे जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे, राइट? बताना कोई फायदा इसके लिए? कोई फायदा? हाँ जी। मतलब यकीन मानो, यकीन मानो 70 साल वाली एज वाले पर्सन भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर बताओ अपने पैसे को 10 लाख रुपए को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं उनको बोलता हूँ सर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, अब तो ये खाने की उम्र है, अब तो अपने अपने पौधों को अपने नाती बच्चों को पैसे बांटो, है ना? बस हाँ अगर पैसे रखने हैं तो एफडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एफडी में 8% 7% मिलता है, पर एटलीस्ट ये जो मिल रहा है वो आपको तो मिल रहा है, राइट? तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक कॉमन सी एडवाइस सबके लिए रखें कि भाई आओ और इक्विटी में डालो। नो, वेरी बैड। पोर्टफोलियो मैनेजर कभी भी ऐसा नहीं करता। पोर्टफोलियो मैनेजर सबसे पहले ये देखता है कि रिस्क टेकिंग पावर कितनी है। मैं आप सबको बोलता हूँ कि बच्चों 10,000 रुपये महीना आपको जरूर जरूर इन्वेस्ट करना है, जैसे ही आप अर्निंग करना शुरू करोगे 10,000 पर मंथ जो है सेविंग जरूर करनी है। और 10,000 रुपये महीना हमने म्यूचुअल फंड में क्लास में देखा था कि अगर ये आप इन्वेस्ट करते हो आने वाले 30 ईयर्स के लिए तो ये कितने हो जाते थे? चौदह करोड़, राइट? और 14 करोड़ रुपया जब आप एफडी में इन्वेस्ट कर दोगे और उसके बाद एफडी वाला जो है आपको 8% का रिटर्न देगा, तो 14 करोड़ का 8% बता दो, 11,20,000। और ये पर एनम है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए तो क्रेडिट। सही बताया आपने, गलत बताया? मतलब एक महीने में आपको अराउंड 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट तो हो ही जाएगा। बट सर ये, बट सर आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हो, और यकीन मानो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। वॉरेन बफेट जी इज द गुरु ऑफ द फाइनेंस, इज एट 12 इयर्स स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड्स नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन इज एट 12 इयर्स स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट, एंड ही सेज कि आई एम 12 इयर्स ओल्ड टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी। 12 साल की उम्र में बंदा क्या कर रहा है, मैं 12 साल लेट हो गया हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब उनके हिसाब से तो क्या करना चाहिए? एंड यकीन मानो बच्चे, मतलब यकीन मानो मैं आपको ऐसा सच्चाई बता रहा हूँ, बच्चे के जैसे ही पैसे, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो सब लोग उसको मुंह दिखाई के पैसे देते हैं, नहीं देते? ये लो बेटा 500 रुपये 1,000 रुपये, नानी वानी नानी देती है, दादी देती है, सब लोग देते हैं, पर जो पैसे आए ना वही डाल दो। यकीन मानो बच्चा अपने आप से करोड़पति हो गया, क्योंकि उसके बाद जो कंपाउंडिंग पीरियड है ना, उसके बाद जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप बहुत बड़ा है। जब तक वो 40 साल का होगा ना, 40 साल के इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख के हो गए, तो आप घर में जाके कैलकुलेशन करना, 2 लाख रुपए 15% की कंपाउंडिंग के रेट से 40 साल के बाद कितने हो जाते हैं, दिस इज इन करोड़, राइट? बट क्या ऐसा इंडियन लोग करते हैं? नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ता है उनको? स्ट्रगल, मेहनत, राइट?
तो क्या कहते हैं कि भाई सुबह जाओ शाम को आओ और यही जिंदगी है, राइट। जबकि सेविंग से जिंदगी आसान डेफिनेटली हो सकती है। कम बैक टू दिस, मैं आपको क्या समझाया कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग कभी भी किसी हर पर्सन को सेम एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोवाइड द एडवाइस बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग पावर। इफ द पर्सन हैव ए हायर रिस्क टेकिंग पावर देन द एडवाइस इज डिफरेंट। इफ द पर्सन हैज ए लोअर रिस्क टेकिंग पावर देन द एडवाइस इज डिफरेंट। वी कांट से दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू इन्वेस्ट इन इक्विटी ओनली। नो, हर पर्सन को इक्विटी इन्वेस्ट करने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। बट यस, हम यहाँ पर पोर्टफोलियो चैप्टर में ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ पर तो इन्वेस्ट करने ही नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा सर दो प्लेसेस हैं, प्लीज हियर। मैंने आपको यहाँ पर रिटर्न बता दिया, मैंने यहाँ रिटर्न बता दिया कि सर रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर आएगा 10% और यहाँ पर आएगा सपोज करो 20% और एक सी और है यहाँ पर आएगा 20%, राइट। और मैंने रिस्क को भी डिफाइन कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या होता है। मैंने आपको ऐसे रिस्क बता दिया, सपोज करो यहाँ पर रिस्क जो है वो 5% का है, यहाँ रिस्क 7% का है और यहाँ पर रिस्क 10% का है, राइट। अब बताओ एक ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है या एक ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको हम लोग इग्नोर कर दें तो ज्यादा अच्छा है, ए बी या सी? देख लो, देख लो, रिटर्न 10%, 20%, 20%, 5%, 7%, 10%। इट इज सी। क्यों? मैं बताता हूँ, बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो यहाँ पर रिटर्न इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर रिस्क भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर रिस्क भी इंक्रीज हो रही है और रिटर्न भी इंक्रीज हो रही है तो चल जाएगा। अगर रिस्क भी बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है तो चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न कितनी है? सेम। और जो रिस्क है वो कितना है बताना? सेम रिटर्न के लिए क्या रिस्क कोई भी ज्यादा लेना चाहेगा? नहीं ना। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, बच्चों देखो, मान लो अगर मैं आपको ये वाला ऑप्शन दूँ कि बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, राइट। यहाँ पर आपको मैं आपको एक पैकेज बता देता हूँ और मुझे बताना कि आप क्या करना पसंद करोगे। यहाँ पर पैकेज है आपके पास 15 लाख रुपए पर एनम का। यहाँ पर पैकेज है 15 लाख रुपए पर एनम का, 15 लाख रुपए पर एनम का और यहाँ पर भी 15 लाख रुपए पर एनम का। सब जगह पे जो आपको पैकेज मिल रहा है ना, सपोज करो कितना मिल रहा है? 15 लाख रुपए। हर जगह पे आपको पैकेज 15 लाख रुपए पर एनम का मिल रहा है। अब मुझे बताना कौन कौन से पर्सन जो है आप में से सीए करना चाहेंगे, कौन कौन से पर्सन सीएस करना चाहेंगे, कौन कौन से पर्सन सीएमए करना चाहेंगे, अच्छा कौन कौन से पर्सन जो है बीकॉम करना चाहेंगे? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। बेसिकली कहानी क्या हो रही है, कहानी क्या हो रही है कि सर बीकॉम करने पर अगर मैं कहता हूं कि रिस्क का लेवल 1 है, अगर रिस्क का लेवल 1 है मतलब कि आपने बीकॉम शुरू की, बीकॉम खत्म हो जाएगी, ये जो है ये इसका लेवल 1 है। मैंने कहा बेसिक लेवल है 1 है। 1 मिनट, अगर सर मैंने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पर जो रिस्क का लेवल है, रिस्क का लेवल सपोज टू बी 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, नॉट टू बी इमोशनल बट दिस, ठीक है, ऐसे कुछ भी 1, 2, 3, 4, राइट। अब जब कम रिस्क लेके जब पैकेज 15 लाख का मिल सकता है तो ज्यादा रिस्क लेके कोई भी अपना सेम पैकेज लेना चाहेगा? तो डेफिनेटली क्या चाहेंगे, राइट, मतलब डेफिनेट चाहेंगे कि बीकॉम इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। बट हाँ, सबको मालूम है कि बीकॉम में ऐसा नहीं होता, इधर 5 लाख है, राइट। अब मैं कहता हूँ कि इधर 15, 15, 15, इधर 5 लाख, रिस्क लेवल ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। अब बताना कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है? अब ये इज द बेस्ट ऑप्शन,
राइट फिर मैंने कहा नहीं ये जो है ना ये 25 है, अब ये 3 लाख है, अब बताना। नहीं ऐसा नहीं, सी एस इज द बेस्ट ऑप्शन ऐसा नहीं कहेंगे हम, कहेंगे सर अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो बीकॉम इज द बेस्ट वन, कोई रिस्क को बढ़ाना चाहता है तो सी एस इज द बेस्ट वन, नेक्स्ट लेवल का रिस्क लेना चाहता है तो सी एस इज द बेस्ट। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, नो 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 नो, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग पावर क्या है। तो जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर यहाँ पर भी रिस्क 3 है और ये पैकेज 15 लाख है सीएमए, अब बताना क्या करोगे? अब आप कहोगे क्या कोई भी पर्सन का सीएमए में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? रिस्क तो सेम है बट जो पैकेज है वो सीएस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कोई भी पर्सन सीएमए में नहीं जाएगा। पर मैंने कहा नॉट टू बी इमोशनल, एग्जाम्पल है राइट। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया दैट वी कैन सिलेक्ट आ सिक्योरिटी ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इफ वी हैव रिस्क टेकिंग पावर। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग पावर है तो ही आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ले सकते हो, और ज्यादा रिस्क टेकिंग पावर तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। अगर रिस्क टेकिंग पावर नहीं है तो आप रिस्क, मतलब अगर रिस्क टेकिंग पावर नहीं है तो क्या करो, FD, PPF, सेविंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई खास रिस्क होता ही नहीं है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट जब भी करोगे तो क्या करना होगा, रिस्क को साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट। मतलब अब हमें यहाँ पर दो बातें सीखनी है, क्या बातें, रिटर्न क्या होता है और नंबर टू रिस्क क्या होता है, रिटर्न और रिस्क। तो रिस्क और रिटर्न को समझाने के लिए, और हमारे जितना भी पोर्टफोलियो पूरा का पूरा चैप्टर है सिर्फ इन्हें दो बातों के आसपास घूम रहा है, रिस्क रिटर्न एंड नथिंग एल्स। आई थिंक क्लियर, राइट। एक छोटा सा वीडियो बेस्ड ऑफ ऑन दिस आपको दिखाया है, आपको अच्छा लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट, कैन वी सी दिस? यस। How to build a diversified portfolio. Brought to you by TIAA CREF. The best way to weather the ups and downs of the market is to have a balanced mix of assets. While a diversified portfolio doesn't guarantee against loss, it can help improve returns over the long term. You will need assets, a savings plan, risk tolerance, and a long-term perspective. Step 1. Take inventory of your financial situation. Get a complete picture of your savings by looking at all of your assets. Savings in the bank, money in your employer's retirement plan, IRAs, even real estate. Step 2. Give some thought to your financial goals, your time frame, and how much you'll need to save to reach them. Seek help from an objective advisor who puts your interests first. Step 3. Consider your risk tolerance when it comes to investing your money. While risk can't be avoided entirely, the higher the risk, the higher the possible return or loss, and the lower the risk, the lower the possible return or loss. Use online calculators to help determine your risk tolerance. Don't try to time the market. Even the experts have trouble. देखो क्या कर रहे हैं ये? Don't time the market. What do you mean by this? Don't time the market? कि भाई ये मत सोचो कि मार्केट अब 30,000 पे है और तो ये बहुत हाईएस्ट है. Don't think so. एंड डोंट थिंक सो कि 30,000 से अगर ये 25,000 हो गई है तो डाउन हो गई है. 25,000 से 20,000 पे भी आ सकती है और 15,000 पे भी आ सकती है. सो टाइमिंग इज नॉट ए राइट थिंग टू फाइंड आउट दैट इट इज द बेस्ट ऑप्शन. टाइमिंग जो है जो लोग करते हैं वही फंसते हैं, राइट. तो क्या लिखा हुआ है, डोंट टाइम द मार्केट. प्रेडिक्टिंग व्हेन टू बाय लो एंड सेल हाई. स्टेप 4. Spread your money across different types of investments, such as stocks, bonds, and money market investments, as well as real estate and guaranteed accounts, such as fixed annuities. If you have many years to save, allocate a portion of your assets to equities. They may be more volatile in the short term, but historically produce returns that outpace inflation and other asset classes. Life cycle funds automatically adjust asset allocation and can be an easy way to diversify your portfolio. Step 5. Rebalance your portfolio at least once a year.
And don't let dips in the stock market panic you. Rebalancing doesn't protect against losses, but it can help you to stay on track to meet your goals. Did you know, according to a recent survey, nearly a quarter of 55 to 65-year-olds have 90% or more of their assets allocated to equity? हाँ जी, बेसिकली क्या समझ में आया आपको इससे? हाँ जी, क्या समझ में आया, क्या समझाना चाहते हैं? नंबर वन, वी हैव टू डाइवर्सिफाइड, राइट? एंड वी कांट पुट ऑल आवर इन्वेस्टमेंट इन वन प्लेस. वी हैव टू पुट सम अमाउंट इन द इक्विटी, सम अमाउंट इन द डेब्ट, सम अमाउंट इन द गोल्ड, सम अमाउंट इन द अदर इन्वेस्टमेंट. तो वी कांट से कि हमें सारे के सारे पैसे किसी एक जगह पर लगा देना चाहिए. और जो ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टर. एंड वी कांट से कि ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वो हर पर्सन के लिए एक जैसा है. एवरी पर्सन हैज इट्स ऑन नीड, राइट? तो जिस पर्सन की जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है. आई थिंक क्लियर? यस सर. कम बैक टू योर फेवरेट टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल्स. फेवरेट ना सर, न्यूमेरिकल का बताओगे, करवाओगे, ये बताओ. ऐसे ऐसे मन में आ रहा है? यस सर. कहाँ से आई आवाज? यहाँ से. न्यूमेरिकल का करवाओगे सर, ये बताओ. हाँ सर, बिल्कुल. स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट. देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कहा सर हमें दो बातों पे कंसंट्रेट करना है. नंबर वन, रिस्क एंड रिटर्न. रिटर्न एंड रिस्क, राइट? सबसे पहले मैं आपसे रिटर्न के बारे में बात करता हूँ. वैसे तो नो डाउट पोर्टफोलियो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी प्लेस इन द डिफरेंट प्लेसेस. बट सर, हम लोग पोर्टफोलियो चैप्टर में जनरली जो आपके साथ ज्यादा बातें करेंगे वो सिक्योरिटीज की करेंगे. मतलब सिक्योरिटी मतलब शेयर्स की करेंगे, राइट? कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाए तो आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, राइट? देखो, वैसे तो हम लोग ये बातें कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपको हमने एक म्यूचुअल फंड करवाया था, याद है आपको? अब म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले पैसे लेते हैं पब्लिक से, राइट? और उस पैसे को एक जगह पर नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इन्वेस्ट कर देते हैं. और तो कुछ नहीं करते, यही करते हैं. तो वो लोग भी बेसिकली क्या करते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म अ पोर्टफोलियो. लाइक मैं यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड का नाम डाल देता हूँ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. सो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान डायरेक्ट है ये, और इस इक्विटी प्लान के अंदर हाँ जी सर, देखिएगा ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है. मैं आपको पहले बता देता हूँ कि है क्या, कि ये म्यूचुअल फंड है. म्यूचुअल फंड क्या होता है कि हमने जो है एक कॉमन फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और मान लो आपने कॉमन फंड म्यूचुअल फंड के अंदर 1,00,000 रुपये डाला हुआ है. कितने पैसे डाले हुए हैं? 1,00,000 रुपये. अब 1,00,000 रुपये तो आपने म्यूचुअल फंड को दे दिया. अब म्यूचुअल फंड ने आगे कहाँ इन्वेस्ट किया? क्या उसने सारे के सारे पैसे जो है सिर्फ एक्सिस, अगर म्यूचुअल फंड है तो उसने एक्सिस बैंक ही खरीद लिया या HDFC बैंक खरीद लिया, कुछ और किया? नहीं, उसने क्या किया, इस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेस्ट किया. तो उसने जो इन्वेस्ट किया वो कहाँ कहाँ किया, दैट इज द पोर्टफोलियो, ठीक है? तो उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है. लेट अस सी दिस. देखिए, मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला सेक्शन खोला, ओपन किया, तो बस नाम लिखा हुआ आ रहा है. हाँ जी, और इसको मैं फुल पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देता हूँ. हाँ जी, फुल पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दिया मैंने. तो अब आपको बताया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हाउस ने बेसिकली क्या किया है. म्यूचुअल फंड हाउस ने HDFC बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है ना? और कहाँ पर? कोटक बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है. और कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? HDFC, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, और उसके बाद और भी है, L&T है शायद नेक्स्ट वाला. हाँ जी, दिस इज द पोर्टफोलियो बेसिकली. हाँ जी, सन फार्मा, मारुति, L&T, TCS, पेडिलाइट, मदर सोनी, राइट? तो ये सब क्या है? दीज आर द
प्लेसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट राइट। तो मतलब जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप से हम लोग क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक पोर्टफोलियो। हमारे बिहाफ पर म्यूचुअल फंड हाउस में जब हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो म्यूचुअल फंड हाउस ने आगे कई जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या बना दिया, एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने बताया, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज का है, ओनली शेयर्स का, गॉट इट ना। तो म्यूचुअल फंड जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी एक किस्म से पोर्टफोलियो ही है, राइट। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड वाला कैसे डिसाइड करेगा कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले वो दो चीज़ें, एक सबसे पहले क्या देखेगा वो, यस प्लीज, रिटर्न। सबसे पहले देखेगा भाई उस वाले शेयर का जो है ना रिटर्न कितना है, राइट। अब रिटर्न जो है मुझे बताओ, रिटर्न फ्यूचर के लिए देखेगा या पास्ट के लिए देखेगा, वो देखेगा तो फ्यूचर के लिए, बट सर उसके पास जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है, नो डाउट वो ये जरूर देखेगा कि फ्यूचर में ये जो स्टॉक है, ये जो स्क्रिप्ट है वो कितनी आगे जा सकती है, डाउन जितनी जा सकती है, बट सर उसके बाद जो डेटा अवेलेबल है वो कौन सा अवेलेबल है, पास्ट। तो उसको पास्ट के डेटा के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक क्लियर, राइट। तो उसे डेटा निकालनी है। अब सर पास्ट का मतलब है एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, कितना टाइम, जितना भी टाइम अवेलेबल, जितना भी डेटा गिवन हो, राइट। मैंने कहा डेटा गिवन है आपको पिछले चार सालों का, आपके पास डेटा गिवन है यहाँ पर 10% का रिटर्न, 12% का गिवन, 15% का रिटर्न एंड देन 16% एंड 14%, ऐसे ही गिवन है कि पिछले पाँच सालों में, एक दो तीन चार पाँच, पिछले पाँच सालों में ये हमारा आज के टाइम है, इससे पिछले बैक फाइव ईयर में जाए तो यही रिटर्न आया। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगले साल कितना रिटर्न आएगा, कुछ आइडिया बताओ। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज। कोई और रास्ता बचो, अगर पास्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी है तो एवरेज फाइंड करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पर सर जो भी एवरेज आएगा वो किस बेसिस पर आएगा, पास्ट बेसिस पर। पर अगर पास्ट बेसिस पर एवरेज हम फाइंड कर लेंगे तो क्या वाकई में ये फ्यूचर से रिलेट करेगा, क्या ये वाकई में फ्यूचर से रिलेट करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट सर इसके अलावा कोई और रास्ता बताओ, इसके अलावा कोई और रास्ता बताओ, नो कोई और रास्ता भी हमारे पास नहीं। अब रास्ता नहीं है तो बच्चों हमें पास के बेसिस पर ही स्टॉक मार्केट मतलब पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ता है, हम लोग इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पूरा चैप्टर बेकार है। किसको एनालाइज करके आप बता रहे हो, और पास का कभी भी फ्यूचर में कन्वर्ट रिपीट होगा, लगता तो ऐसे है कि जो हो चुका है वही दोबारा होगा, पर सर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। नेचर इज सो पावरफुल कि उसने फ्यूचर के लिए हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा हुआ है, नया किया हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कि कॉन्स्टेंट होती है और वो होती है, वो होता है चेंज। चेंज के अलावा कोई चीज कॉन्स्टेंट है ही नहीं, बस एक चेंज ही है जो कि कांस्टेंट है, जो बदलता नहीं है। एनीबॉडी कोई इसका रिपीट करे, मतलब इसका कोई रेसिप्रोकल कम बैक। पर सर हमें पूरे चैप्टर में क्या करना है, पास्ट का बेसिस एनालाइज करना है। और आपको याद होगा जब हिस्टोरिकल बेसिस पर एनालाइज करते थे तो हम क्या यूज करते थे, याद आया, एवरेज निकालते तो क्या यूज करते थे, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो सर हमारे इस पोर्टफोलियो चैप्टर में भी हम लोग स्टैटिस्टिक का बहुत सारा सहारा लेंगे, राइट। तो जो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग सीखते थे फॉर्मूलास एवरेज का, आप लोग फॉर्मूला सीखते एवरेज का, इसका वो सभी आपके याद, आप सीखते थे आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, मीन, राइट। तो एवरीथिंग इज ऑल्सो हेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिलेगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, इसके अलावा हम लोग फ्यूचर के बारे में कैसे बात करते हैं, देखो अगर आपको फ्यूचर के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, मैंने कहा सर आज के डेट में T0 पर रिलायंस का शेयर जो है सपोज करो 1100 रुपये का है, ठीक है, एक साल के बाद कितना हो सकता है। हमने कहा एक साल के बाद कितना हो सकता है, ये 100% सर्टेनिटी से तो हम लोग बता नहीं सकते, ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते।
अगर नहीं बता सकते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं कि सर अगर जियो सक्सेसफुल हुआ तो ये प्राइस, जियो अगर मिडवे सक्सेसफुल हुआ तो ये प्राइस, जियो अनसक्सेसफुल हुआ तो ये प्राइस, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि प्राइस जो है 1000 पे आ जाए, हमने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि 1100 ही रहे, हो सकता है कि 1200 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 1500 हो जाए। हमने सब क्या किया, अंदाजा लगाया। अंदाजे के साथ साथ बच्चों अगर आपने अंदाजा लगा दिया तो नो डाउट जैसे आपने अंदाजा लगा दिया है तो अब आप इस वाले स्टॉक्स रिलेटेड पर्सन के रिटर्न भी आइडेंटिफाई कर लोगे। पर्सन के रिटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ जी, प्राइस ऑफ द शेयर एट एंड माइनस प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगनिंग, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। यार बड़ा सिंपल सी बात है, आज के डेट में 1100 प्राइस और एक साल के बाद 1000 का प्राइस, तो आपको कैपिटल गेन कितना हो गया, -100 रुपए का। आज 1100 का प्राइस और एक साल के बाद भी 1100 प्राइस, तो कैपिटल गेन कितना, ऑब्वियसली जीरो। यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना, 400, है ना। और मैं आपको कहता हूँ कि रिलायंस का शेयर जो है वो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगा, और डिविडेंड प्रोवाइड करेगा सपोज टू बी कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 50 रुपए का, राइट। अब मुझे बताओ कि आप इस स्टॉक से परसेंटेज रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ जी, अब हम कहेंगे सर पर्सनल रिटर्न निकालना है, तो परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट विल बी मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस इन बिगिनिंग और प्लस क्या, अच्छा कैपिटल गेन तो हो गया ना, मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस बिगनिंग, ये तो हो गया कैपिटल गेन, प्लस क्या कर दिया, डिविडेंड, और डिवाइड बाय जो बेस प्राइस लेंगे वो कौन सा लेंगे, बिगनिंग वाला इन 200। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिटर्न। अब परसेंट रिटर्न के लिए फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, कैलकुलेशन करो, तो इट विल बी 1000 माइनस 1100 ब्रैकेट क्लोज प्लस डिविडेंड कितना 50 रुपए का डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 1100 इनटू व्हाट 100, और नेक्स्ट 1100 माइनस 1100 एंड प्लस 50 एंड डिवाइड बाय बेस यानी कि 1100 इनटू कितना 100 एंड अगेन 1200 माइनस 1100 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 50 एंड डिवाइडेड बाय कितना 1100 इनटू 100 एंड अगेन 1500 माइनस 1100 ब्रैकेट क्लोज प्लस 50 डिवाइडेड बाय कितना 1100 इनटू। तो बेसिकली हमने बच्चों हर एक लेवल के लिए क्या आइडेंटिफाई कर लिया, परसेंटेज रिटर्न, हमारा पर्सनल रिटर्न कितना कितना अराइज हो सकता है। हाँ जी, कोई डाउट बच्चों यहां तक? नहीं, आपने कैलकुलेशन कर दी है, मुझे कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी बता दो कि जो आपके पास पर्सनल रिटर्न अराइज हुआ है वो कितना कितना अराइज हुआ है। माइनस में आया है कितना, 4.545%, ठीक है, और बता दो, प्लस में, प्लस में सेम आ गया 4.545, एंड देन कैलकुलेशन कीजिए बच्चों 13.63%, ओके, लास्ट वाला, लास्ट वाला 40.90%। मतलब पर्सनल रिटर्न या तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, या ये वाली आ जाए या ये वाली आ जाए, राइट। बट सर अगर आपको, आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो और आपको जो है किसी को एडवाइस करना है कि जो है आप इसको परचेज करें या ना करें, तो उसको कौन से वाला रेट बताओगे, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला या चौथे वाला? पहले वाला नहीं बताओगे, छुपा लोगे, पहले वाला छुपा लोगे? नहीं ना, पहले वाला छुपाना भी नहीं चाहिए, तो कौन सा बताएं, सारे बता दें, सारे बताएंगे वगैरह, या सर एक ही बताओ ना, आप तो इतने प्रोफेशनल हो, अलग सारे के सारे क्यों बता रहे हो? एवरेज, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज बताएंगे, राइट। और एवरेज मतलब कैसे, एवरेज जितने भी ये नंबर्स हैं उन सबको प्लस, मतलब ये कौन सा एवरेज है, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, लाइक इट इज माइनस 4.544% प्लस 4.54% एंड प्लस उसके बाद कितना है 13.63, सो नेक्स्ट इज 13.63% एंड लास्ट में कितना है 40.90,
इट्स 40.90% एंड होल डिवाइडेड बाय, यस प्लीज, होल डिवाइड बाय क्या, 4. सो होल डिवाइडेड बाय बेसिकली आपके पास ये आ गया 4. 4 से डिवाइड कर देंगे. कोई डाउट पूछो. सो होल डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज, राइट. बट सर सिंपल एवरेज के अलावा भी आपके पास एक रास्ता हो सकता है. सिंपल आप एवरेज के अलावा आपके पास क्या क्या रास्ता हो सकता है कि सर आपने जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला ना, उसको हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर लें. किस में कन्वर्ट कर लें, प्रोबेबिलिटीज में. मतलब क्या, जियो के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, जियो के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, और एवरेज होने रहने के चांसेस कितने हैं. हमने कहा, हमने इन प्रोबेबिलिटीज पर कंसिडर कर लिया और प्रोबेबिलिटी निकाल दिया 0.2, 0.3, लाइक ये डिवाइड बाय 4 था ना, बता दो कितना आ गया, 13.625. राइट. तो मतलब अगर हम किसी पर्सन को एवरेज रिटर्न बताएंगे तो वो ये वाले बताएंगे, तो ये वाला रेट जो आया है वो कैसा आया है, सिंपल एवरेज करके, ठीक है. पर सर ने एक और रास्ता बताया, मैंने कहा सर क्या करो, जितने भी ये नंबर्स है ना, उन सभी के सभी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, हमने कहा ये जियो के बेसिस पर है, तो सबके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटीज. हमने प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई किया, सपोज टू बी 0.10, 0.20, 0.30, क्या क्या बच गया, 0.40, टोटल 1 हो गया, राइट. अगर आप प्रोबेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लिए हमने, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, राइट. अब जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना का हमारे पास एक चैप्टर था बचपन में या नहीं था, था, याद है आपको सब कुछ, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. प्रोबेबिलिटीज कभी भी आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि एफएम में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना नहीं आने वाला, राइट. तो प्रोबेबिलिटीज अगर कभी भी बात की जाएगी तो प्रोबेबिलिटीज हमेशा हमेशा गिवन होंगे, राइट. पर हाँ, वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, राइट. पर नो डाउट, प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बेसिस पर हम लोग ये प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं. पर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा. बट हाँ, अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो सर सिंपल एवरेज इज द बेस्ट मेथड या फिर वेटेड एवरेज द बेस्ट मेथड, वेटेड एवरेज, जिसमें कि हम लोग प्रोबेबिलिटीज को हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, वेट्स, राइट. तो बच्चों हमारे पास दूसरा मेथड जो एवरेज फाइंड करने का होता है, दैट इज बेसिकली वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड. और वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास परसेंटेज रिटर्न तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया था, पहले वाला कितना, -4.545%, दूसरे वाला +4.545%, तीसरे वाला 13.63, 40.90, ठीक है. उसके बाद हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोबेबिलिटी. और सर प्रोबेबिलिटी हमने कहा 0.1 है, 0.2 है, 0.3 और 0.4 है. और प्रोबेबिलिटीज को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वेट्स, राइट. तो जो अगर आपके पास वेट्स हो, ये आपके पास एक्स है और ये प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को प्रोबेबिलिटी से, हाँ जी याद है आपको, सो एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.545 × 0.1 कितना हो जाएगा, 0.454%, नेगेटिव वाला ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.2 आ जाएगा, मतलब इट्स 0.909, ओके. 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो 4.089, ओके 1 मिनट, 4.089 एंड देन 16.36%, और टोटल भी कर दिया आपने 19-20 के आसपास होगा, 20.904, हाँ जी 20.904,
904, मतलब अब हम कहेंगे सर वेटेड एवरेज जो है ये 20.904 है, तो जो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज, राइट। तो ये हमारी रिटर्न है, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, नंबर वन रिटर्न और दूसरा क्या रिस्क। तो रिटर्न में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, नंबर वन एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। एवरेज कब करेंगे? जब प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं होगी, और वेटेड एवरेज कब करेंगे? जब प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगे। तो हमारे पास अब एवरेज फाइंड करने के ये दो मेथड हो जाते हैं, आई थिंक क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके जैसा मिलता जुलता करेंगे, है ना, इसके बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपका वार्म अप हो, बहुत देर हो गया है आपको सुनते सुनते, आप थोड़ा सा काम करते हैं। दिस इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 51, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन आई विल डू एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर है मेरे पास 8.58, पेज नंबर 8.58, क्वेश्चन 51। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है दैट ए लिमिटेड नेवर पेज डिविडेंड, डिविडेंड तो है नहीं, भूल जाओ, ओके। इट्स इक्विटी शेयर इज करंटली सेलिंग एट रुपीज 25, तो इक्विटी का शेयर का प्राइस कितना है 25 रुपए का। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड। तो एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले, ओपनिंग वाला प्राइस कितना था बच्चों 25, क्लोजिंग प्राइस कितना है एक साल के बाद का 20 रुपए का। तो कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज रिटर्न? बोलो, आराम से फाइंड हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस एट एंड ऑफ ईयर वन, हाँ जी, क्या क्या है ये प्राइस? 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का और 60 रुपए, राइट। और हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटीज। तो जो ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसको एज इट इज लिख दें, 0.10 एंड देन 0.20, 0.40, 0.20 एंड वन मोर 0.10, राइट। और उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों हमें? परसेंटेज रिटर्न। बता दो परसेंट रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बोलो, मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस इन बिगनिंग। डिविडेंड है क्या? नहीं है। मार्केट प्राइस एट बिगनिंग और एंड? बिगनिंग, हमेशा बेस जो लेते हैं वो बिगनिंग वाला लेते हैं, राइट। सो मार्केट प्राइस एट एंड इट्स 20 माइनस बिगनिंग वाला, बिगनिंग वाला कितना है? डिवाइड बाय बेस, और बेस क्या है? इनटू 100, राइट। एंड अगेन 30 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, एंड देन 40 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। तो बच्चों आप कैलकुलेशन अपने आप से कर लें, नो डाउट आप कर लेंगे, मुझे मालूम है। बच्चों यकीन मानो, पोर्टफोलियो चैप्टर आपके पूरे कोर्स का सबसे आसान चैप्टर है, और पोर्टफोलियो चैप्टर आपके एग्जाम में मान के चलो 20 नंबर का पक्का आएगा। 20 का मतलब अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया तो मिनिमम जो मार्किंग है उसकी 15 नंबर तो है ही, और 15 से ज़्यादा मतलब 30-35 नंबर तक का भी पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। और इससे आसान चैप्टर में अकॉर्डिंग तो नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कुछ नहीं, बट वो बात अलग है कि मैं हर चैप्टर में यही बोलता हूँ, राइट। कितना आता है ये, कितना परसेंट? नहीं नहीं, स्टार्टिंग वाला बता दो, -20। कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, रजिस्टर पे करेंगे। आंसर नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर्सन, 20% लगे, नेक्स्ट 60, 140। तो हमने क्या फाइंड कर दिया? परसेंटेज रिटर्न।
कोई डाउट बच्चो? नहीं। अब बच्चो पर्सनल रिटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, पर सर मुझे कौन सा वाला पर्सनल रिटर्न चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्रोबेबिलिटी से। तो इट्स माइनस 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 2% नेगेटिव। अगला 20% इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 4%। 60 इंटू 0.4 2.4 एंड देन 20% एंड देन 0.1 है ये, और ये हो जाएगा 14%। प्लस कर दीजिएगा 60 पक्का बच्चों? क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा बाकी लोग। अच्छा 60% गलत है ये, क्योंकि ये 0.1 है और ये 140% है, ठीक है ना? हाँ हाँ, अच्छा ये 24 है, ये हो सकता है ये 20। आप कितना है टोटल? अच्छा टोटल सही है, टोटल 60 है बच्चों, टोटल ठीक है, राइट। तो बच्चों 60% को अब हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज वेटेड एवरेज बोल दो, या इसको आप बोल दो दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज। दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न पर, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? नहीं। अच्छा अगर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंट निकाल दिया तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब हमें रिटर्न का पता चल गया कि कैसे आता है, राइट। दूसरी क्या चीज पता होती है हमें, मतलब क्या चीज फाइंड करनी होती है हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने क्या फाइंड करना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बच्चा बताएगा कि आप में से किस किस ने इस स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले पढ़ा हुआ है? ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आप में से कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड से जो डेविएट होता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल, ओके। एनीथिंग एल्स? क्या बताया था आपने? अच्छा बताया था आपने, बताया था कुछ बता रहे थे आप, बता रहे थे कुछ, बताओ। वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेट। देखो बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही रिस्क बोलते हैं, राइट। मैं आपको कहता हूं कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आपको जो है 15% रिटर्न आएगी। आपको कैसे प्रूव करो? मैं moneycontrol.com दिखाऊंगा और उसमें 15 साल का डेटा दिखा दूंगा और प्रूव कर दूंगा कि 15 साल की रिटर्न आएगी, राइट। बट सर आपने जैसे इन्वेस्ट किया तो रिटर्न जो है वो नेगेटिव आ गई, राइट। अब मैंने झूठ बोला था या फिर आपने गलत सुना? मैंने भी सही बोला था, मैंने आपको प्रूव किया था 15 साल का, राइट। पर सर मैंने आपको जो है रिटर्न तो बता दिया, मैं आपको ये तो बोल दिया कि रिटर्न परसेंटेज जो है वो अगले साल का 15% है, पर सर मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना। मतलब 15% रिटर्न आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द पास्ट, राइट। पर ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज ऑफ द पास्ट में कुछ प्लस भी हो सकता है और कुछ माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस कितना हो सकता है? मैं कह सर प्लस माइनस हो सकता है 25%। मतलब एक्चुअल रिटर्न जो है इस एवरेज से, एक्चुअल रिटर्न इस एवरेज से 25% ज्यादा और 25% कम भी हो सकती है। एक्चुअल रिटर्न देखो, एवरेज जो आपने आइडेंटिफाई किया, फिलहाल अभी हमने जो आइडेंटिफाई किया, हमने कहा सर एक्सपेक्टेड रिटर्न 60% की है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 60% की है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 60% तो इस वाली सिक्योरिटी में अर्न कर ही लेंगे, बट क्या आप 100% श्योर हैं कि 60% अर्न कर लेंगे? नहीं, देयर इज अ डेविएशन। वी कैन अर्न टू माइनस 20%, वी कैन अर्न 20%, वी कैन अर्न 60%, इवन वी कैन अर्न 140। सो देयर इज अ वेरिएशन फ्रॉम द मीन, देयर इज अ वेरिएशन। मतलब हमारा जो एक्चुअल है वो इस एवरेज से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, राइट। तो यही रिस्क है, राइट। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया,
सर बड़ा सिंपल सा बता दो, बड़ा सिंपल सा, आपने अपना पैसा बैंक एफडी में लगाया, बैंक वाले बोलते हैं 8% के रिटर्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। आपने अपना पैसा इक्विटी में लगाया, मैंने आपको बोला 15% का रिटर्न इसमें आएगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि रिस्क बताओ, तुम भी बताओगे बैंक एफडी में रिस्क कितना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर 8% हम बोल रहे हैं और 8% मिलेगा, कोई भी घबराने वाली बात है ही नहीं। दैट इज द ओनली सर्टेनिटी लेवल, जब रिस्क कितना हो जाता है 0%, मींस एक्चुअल भी वही हो जो बताया जा रहा है। बट सर 15% के इक्विटी में रिटर्न बताई जा रही है, अगर मैं कहूँ कि ये भी 0% है, सपोज करो ऐसा है, सपोज करो ऐसा है, बताना कितने लोग एफडी में पैसा लगाएंगे? कोई भी लगाने वाला नहीं है, राइट। पर सर मैंने कहा सर यहाँ पर रिस्क है 10%, तो 10% का मतलब क्या है कि 15% जो एवरेज बताया ना, डैट कैन बी मोर देन, मतलब एक्चुअल कैन बी मोर देन दिस 15% टू 10% एंड कैन बी लेस देन 10% टू दिस एवरेज। मीन्स एक्चुअल जो है ना वो इस 10% से कितना प्लस और कितना माइनस जा सकता है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिस्क होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिस्क होता है। मैंने कहा सर आपका कोर्स बताओ, आप लोग इस बात से बड़े परेशान है आज फिर से, एक बार फिर से मैंने कहा आपने इंस्टीट्यूट में पता किया सर कोर्स कितना टाइम किया, उन्होंने बोल दिया 3 साल, राइट। पर 3 साल में आपको पता चला, अच्छा 3 साल में नहीं है, जब तक पेपर क्लियर ना हो जाए तब तक पास नहीं होता। अब जब भी आप किसी से किसी को बोलते हो कि सर क्या कर रहे हो, आपने बोला सीए कर रहा हूँ, सीएमए कर रहा हूँ, सीएस कर रहा हूँ, आपने कुछ भी बताया जो भी आप कर रहे हो, वो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? कितने साल का है? वो पूछता है भाई कितने साल का है। अब कितने साल का है, और आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर 10 बार भी दिया हुआ है ना और 11वीं बार क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर आप सोचते हो, फिर सोचने लग जाते हो, अच्छा कितने साल का है तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो मतलब देयर इज अ वेरिएशन, 3 साल तो उसने बोल दिया एवरेज है, पर 3 साल में वेरिएशन 2 साल का प्लस 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है। सो दैट इज व्हाट, अच्छा नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा, फिर यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट में नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। पर आप मैं व्हाट आई मीन टू से, ये जो वेरिएशन है 2 साल, यही क्या चीज है, यही है रिस्क। अगर मैं कहता हूं कि 3 साल का कोर्स हो 3 साल में कंप्लीट होगा तो क्या रिस्क है? जीरो। तब तो कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क तो तब होगा जब हमारे एवरेज बताया गया जो टाइम पीरियड है उसमें हमारी 100% चीज कंप्लीट ना हो। आई थिंक क्लियर, राइट। तो रिस्क ही क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है दैट आपने जो एवरेज आइडेंटिफाई किया, आई रिपीट, आपने जो एवरेज आइडेंटिफाई किया एक्चुअल उस नंबर से कितना ज्यादा हो सकता है और एक्चुअल उस नंबर से कितना कम हो सकता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट मीन डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डेविएशन फ्रॉम द, यस प्लीज, एवरेज रिटर्न, एवरेज, और यू कैन से एक्चुअल हमारे इस एवरेज से कितना ज्यादा हो सकता है या कितना कम हो सकता है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इटसेल्फ रिस्क। अब आप कहोगे सर ये फाइंड कैसे करते हैं? सर नो डाउट स्टैटिस्टिकली वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो, ठीक है। स्टैटिस्टिकली कैसे फाइंड करेंगे? इस पर्पस के लिए हमने कहा सर आपने परसेंटेज रिटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, कितना कितना फाइंड किया था फिर बता दो, -20%, 20% एंड 60%, 100% एंड 140%, राइट। इसके अलावा आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया है, कितना, 60%, राइट। इसको मैं अगर मैं इसको आर नाम दूं तो ये क्या चीज हो जाएगा, आर डैश, क्या था एवरेज को ऐसे बोलते थे, डैश लिख देते थे, तो ये हो गया एवरेज, राइट। हम क्या करेंगे, जो भी रिटर्न निकल के आया ना इसको पहले मीन से डेविएशन फाइंड निकालेंगे। डेविएशन मतलब डिफरेंस कि सर अगर ये 20% का नेगेटिव आया एक्चुअल, प्लीज अगर ये एक्चुअल 20% नेगेटिव आया तो ये जो एवरेज है इसे कितना डेविएट कर रहा है, कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, तो -20 है ये +60 है तो कितनी दूरी पर है, -60 -80, ये है 80, -80 यू कैन से, ठीक है। अच्छा जो अगला नंबर है वो कितना दूर है 60 से,
60, 20 माइनस 60 यानी कि माइनस 40, 60 जो है ये इससे कितना दूर है? जीरो, कोई दूर नहीं है, 40, और ये कितना है? 80, 80. तो बच्चों हमने अब इससे क्या आइडेंटिफाई कर लिया? डेविएशन फ्रॉम द मीन, जितने भी नंबर्स हैं उनका हमने क्या फाइंड कर दिया? डेविएशन मतलब हर एक नंबर एवरेज से कितनी दूरी पर है, राइट? बट सर स्टैटिस्टिक्स में ये रूल है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो सबसे पहले आप स्क्वायर करोगे, मतलब बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज को बेसिकली खत्म किया जाता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो आर माइनस आर डैश का स्क्वायर कर देंगे, तो आर माइनस आर डैश का स्क्वायर यानी कि 6400, 1600, 0, 1600 अगेन एंड 6400, राइट? तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? अगर अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती ना, इसी को हम बोल देते हैं वेरियंस, राइट? बट सर जब प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं तो हम लोग एक स्टेप और करते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, लाइक मैं जो भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो लिख रहा हूँ पहले. प्रोबेबिलिटीज गिवन टू अस इज 0.1, 0.20, 0.40, 0.20 एंड 0.10. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आर माइनस आर दे जो भी किया स्क्वायर किया उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर माइनस आर डैश इंटू प्रोबेबिलिटी, राइट? सो इट्स 6400 इंटू 0.1, यस प्लीज, 640 एंड 320, 0 एंड 320 अगेन एंड 640 अगेन एंड सम. अब इसके बाद सम फाइंड कर दीजिएगा, 4 2 6 2 8 और 4 12 2 1 1920, राइट? अब बच्चों ये जो 1920 आया ना, इस 1920 को बोलते हैं वेरियंस, राइट? पर सर डेविएशन फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर किया था, राइट? और स्क्वायर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है. आपने एक बार तो वहां पर स्क्वायर किया था, उस स्क्वायर को पहले तो 1920 को क्या बोलते हैं? वेरियंस, राइट? और इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग वेरियंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं दोबारा से, और इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कहा इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1920 एंड बच्चों कैलकुलेट करके बता दो कितना आता है. यस प्लीज, 8178%, राइट? अब ये 43.8178% आ गया. ये 43.8178% क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारी जो एक्चुअल रिजल्ट है ना, एक्चुअल रिजल्ट वो इस एवरेज से 43.878% ज्यादा या कम हो सकते हैं. मतलब आपको ये शो कर रहा है कि सर अगर आप अपनी एवरेज रिटर्न को, आई रिपीट, एवरेज रिटर्न को 60% बोल रहे हो तो आपका जो एक्चुअल है, आपका जो एक्चुअल है जरूरी नहीं है कि वो 60 ही हो. आपका एक्चुअल जो है वो इस 60 से ज्यादा हो सकता है. कितना ज्यादा हो सकता है? 43.8178 ज्यादा हो सकता है, 43.8178% कम भी हो सकता है, और कम भी कितना हो सकता है? 43.81778%, राइट? मींस जब भी आप किसी को सिक्योरिटी के बारे में रिटर्न बताते हो तो उसके साथ साथ उसे क्या बताना चाहिए? रिस्क कितना है. मीन्स वो जो वेरी कर सकती है एवरेज, वो एवरेज ज्यादा और कम कितनी वेरी कर सकती है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी. आई थिंक क्लियर. आप सर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को एक लाइन के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम लोग एक लाइन में लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या कहते हो? वेरी सिंपल, इट इज द वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ऑफ फॉर एक्चुअल फ्रॉम एवरेज रिटर्न. एक्चुअल फाइंड करने के लिए ये इसको ऐसे लिखते हैं, हाउ मच एक्चुअल रिजल्ट, ये ज्यादा अच्छा है, कैन वेरी, हाउ मच एक्चुअल रिजल्ट कैन वेरी फ्रॉम एवरेज. हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है
वो इस एवरेज से कितना वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है मतलब ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, आई थिंक क्लियर है। हाँ जी जल्दी बताइए, कोई डाउट यहां तक पक्का? अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है और स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी। अच्छा एक क्वेश्चन अपने आप से करना चाहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का और ये एवरेज करने का? यस सर। तो एक क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है सर। अच्छा पीछे करते हैं प्लीज, और जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है वो लोग 52 क्वेश्चन ट्राई करें, और पीछे और पीछे। हाँ जी सर 52 क्वेश्चन, जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई करें। हाँ जो जो डन कॉपीड, 52 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा वेरी फास्ट। हाँ जी बच्चों आप लोग 52 क्वेश्चन कर रहे हैं। डन 52 हो गया दोनों पार्ट, सिक्योरिटी ए एंड बी, नहीं ए हो गया, एक्स हो गया, वाई नहीं हुआ।
वाई तो हो ही जाएगा, जब एक्स हो गया तो वाई तो हो ही गया। अच्छा ये एक्स, बस बस। हाँ जी सर, डन। जो 52 क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, आई थिंक कंप्लीट हो रहा है। क्या गिवन हमें स्टॉक एक्स की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, रिटर्न परसेंटेज ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एवरेज निकालना है, मतलब वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड एवरेज मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा, एक्स माइनस एक्स बार एंड देन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड देन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, राइट। तो हम लोग सम फाइंड करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। शुड आई डू वन, कोई एक कर दूं मैं? चलिए सर, मैं स्टॉक वाई के लिए कर लेता हूं। स्टॉक वाई के लिए सो वी हैव द रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज हमें ऑलरेडी मालूम है क्या क्या है, 2%, 7%, 12%, 15% एंड 16%। अच्छा, उसके अलावा हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, और प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, इट्स 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.1, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिटर्न परसेंटेज इनटू प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, 0.04 एंड देन 1.4 एंड देन 3.6, 3%, 1.6। टोटल कर दीजिएगा 24.4%। और जो ये 24.4% होगा वो क्या बोलेंगे हम इसको, आर्देश, आर्देश ना, यस। तो ये क्या चीज है, इसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। कौन सा वाला, 10%, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा टोटल 10 है, ओके 16 ये नहीं है, टोटल इज 10%। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये कितना आ गया, 10%, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसको अगर हम आर कह दें तो ये आर डैश आ चुका है, तो आर माइनस आर डैश, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 3 2 5 6 एंड देन आर माइनस आर डैश का स्क्वायर 64 9 4 25 एंड देन आर माइनस आर डैश का स्क्वायर तो है ही, मल्टीप्लाई बाय क्या, प्रोबेबिलिटी भी करना है, कितना 12.8 ओके 24.4, राइट। सो 24.4 क्या चीज हो गया, ये वेरियंस, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली वेरियंस, वेरियंस इज 24.4, राइट।
अब वेरियंस 24.4 आ गया है और हमें तो क्या आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24.4, कितना बताया आपने, 96 भी है। बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं डेसिमल्स के नंबर को लेकर, तो मैं बच्चों के फिर इमोशंस को हर्ट नहीं करता हूँ, एज इज लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज 10% एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4.9396, राइट। अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि सर सिक्योरिटी में बताओ कितना रिटर्न है, तो आपको एक सिंगल नंबर है 10%। अच्छा रिस्क कितना है, 4.9396, मतलब इतना रिटर्न 10% से एक्चुअल जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि अगर मैं एवरेज बोल दिया 10%, ये एवरेज है, तो एक्चुअल रिटर्न जो है वो हो सकता है कि प्लस में चले जाए 4.93, और हो सकता है कि वो नेगेटिव आ जाए, कितना 4.93, फिर हो सकता है मतलब अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। किससे अप एंड डाउन हो सकता है, किससे अप एंड डाउन हो सकता है, 10 से। तो एक्चुअल जो है एवरेज से कितना वेरी करेगा, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई डाउट, पक्का, बहुत अच्छी बात। बच्चों अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि स्टडी मटेरियल में गिवन है, जो पेपर में कई बार आ चुका है और पेपर में कई बार और आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, राइट, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, राइट। एंड क्वेश्चन सेज फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। तो आपके पास कितनी सिक्योरिटीज हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। और बच्चों ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं इनमें हमें दो बातें पता हैं, एक तो रिटर्न परसेंटेज और दूसरा रिस्क परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज एंड रिस्क परसेंटेज। ये रिटर्न परसेंटेज कितना कितना है, सबसे पहले है 10% और रिस्क कितना है 5%, एंड देन 10%, 6%, एंड देन 15%, 13%, 5%, 5%, 11%, 6%, 10% एंड 7%। सो दीज आर द रिटर्न परसेंटेजेस एंड रिस्क परसेंटेज। अच्छा करना क्या हमें, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कहता है एज्यूमिंग थ्री विल हैव टू बी सिलेक्टेड। आपको कितने सिलेक्ट करने हैं इन 6 में से, 3। आपको इनमें से कोई 3 सिलेक्ट करने हैं, मतलब बाकी 3 क्या करने हैं, रिजेक्ट करने हैं। सो 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन कहता है स्टेट विच वन विल बी पिक्ड। बताओ इन 6 में से अगर आपको 3 सिलेक्ट करने हो तो आप वो 3 कौन कौन से सिलेक्ट करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है ना। तो वो जो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप बोलते हैं आपको कि सर सबसे पहले एक काम करो कि जितनी भी ये सिक्योरिटीज है ना उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्क में कन्वर्ट कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉरी रिटर्न में कन्वर्ट कर लो, किसी भी एक में कर सकते हो, विल नॉट मैटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिटर्न में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि अगर मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिटर्न में सबसे छोटा वाला कौन सा है, इंक्रीजिंग सबसे छोटा पहले आएगा, फिर बड़ा 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 एंड सो ऑन। तो पहले पहले जो है डी आ जाएगा, है ना, उसके बाद ए भी आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ये एफ आ सकता है, उसके बाद ई आ सकता है, उसके बाद सी आ सकता है, राइट। सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर ले सकते हैं सर, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले सिक्योरिटीज, और बच्चों सिक्योरिटीज में सबसे पहले सिक्योरिटी, यस प्लीज बता दीजिए कौन सा, डी ना, डी। अच्छा इसका रिटर्न बता दीजिए, इसका रिटर्न परसेंटेज कितना है, रिटर्न परसेंटेज 5%, और इसका रिस्क परसेंटेज बता दीजिए, ये भी 5% है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट डी के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है, ए, पक्का, हाँ जी ए। ए में आपके पास रिटर्न कितनी है, 10%,
रिस्क कितना है? रिस्क 5%, एंड देन 5, 10 उसके बाद बी इट इज 10% एंड 6%, एंड देन बी के पास और कौन सा? एफ, एफ या सी? एफ 10% और 7%, एंड एफ के बाद कौन सा है? ई 11%, 6%, और लास्ट में क्या है? सी, और ये कितना है? 15% एंड 13%. इज इट क्लियर? राइट, सो वी हैव टू पिक एनी थ्री. राइट, अब एनी थ्री तो तब पिक करेंगे जब कंपेयर करेंगे. जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे पिक करते रहे? देखो, तो जब भी आपको सिक्योरिटीज पिक करनी है या कभी भी 2, 3, 4 इन्वेस्टमेंट्स हो, तो सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं प्रोवाइडेड दे हैव द एक्स्ट्रा रिस्क एंड एक्स्ट्रा रिटर्न. जैसे कि आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम लोग आपके साथ बात कर रहे थे कहाँ पर, हियर. देखो, आपने कहा कि बीकॉम भी अच्छा है, सीए भी अच्छा है, सीएस भी अच्छा है, सीएमए भी अच्छा है, पर सर ये तब बताया, कब बताया आपको? जब रिस्क लेवल भी बढ़ रहा हो और रिटर्न भी बढ़ रहा हो, है ना? जब रिस्क रिटर्न बढ़ रहा हो तो रिस्क बढ़ रहा हो तो चल जाएगा, मतलब समझ में आ जाती है बात. बट सर अगर रिटर्न नहीं बढ़ रहा हो, रिस्क बढ़ रहा हो तो बेकार है, है ना? मतलब हमारे लिए वो सब एक्सेप्टेबल हो सकता है जब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो? ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. उसके बाद तो क्या कहानी हो जाएगी कि सर कौन से पर्सन को कितना रिस्क लेना है. जिसने जितना रिस्क लेना होगा वो वाला कोर्स कर लेगा, ऐसे ना. अच्छा, अब इस पर्पस के लिए हमने कहा सर हम लोग कुछ इसी तरह का ओपिनियन यहाँ पर भी रख रहे हैं, नथिंग एल्स. क्या मतलब कि सर सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिटर्न में कंपेयर कर दिया है, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए. राइट, कंपेयर वन, सबसे पहला कंपैरिजन. और बच्चों जब भी कंपैरिजन होता है तो पहले दो का होगा भाई. अगर मान लो 50 टीम है क्रिकेट की और 50 टीम में एक टूर्नामेंट करवाना है, तो 50 की 50 टीम को साथ में मैदान में डाल दें और देख लें कि कौन जीत जाएगा. क्या करेंगे? पहले दो को, फिर दो को, फिर दो, ऐसे तो करोगे? राइट, तो पहले दो को हम लोग कंपेयर करते हैं. राइट, अगर एक्सेप्टेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे. राइट, अब कंपेयर करना है, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको पहले रूल सिखाऊं. मुझे नहीं लगता कि कोई रूल सिखाना है, बिल्कुल कॉमन सेंस है बच्चों. आप कुछ कॉमन सेंस लगाओ अपने आप हो जाएगा. क्या कॉमन सेंस है कि सर यहाँ पर रिटर्न है 5% और यहाँ पर रिस्क है 5%, यहाँ पर रिटर्न है 10% और रिस्क है 5%. बताना कौन सी वाली एक्सेप्टेड है और कौन सी? ए इज एक्सेप्टेड, बल्कि मैं कहूंगा सर एक्सेप्टेड बाद में, कौन सी रिजेक्टेड है? मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें डी में तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. ए करें या ना करें इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग पावर क्या है. इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में बात है, पर सर डी एक ऐसे सिक्योरिटी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए. क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? नहीं नहीं, इसलिए नहीं. यहाँ पर ऐसा सोचो सर, अगर यहाँ पर रिस्क 5% का है तो यहाँ पर भी रिस्क 5% है, तो ए सिक्योरिटी में रिस्क दोनों जगह पर सेम है, पर सेम रिस्क के लिए हमारी सिक्योरिटी डी जो रिटर्न दे रही है वो कम दे रही है. अगर रिस्क लेवल सेम है तो वो वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है जहां पर रिटर्न ज्यादा मिले. राइट, तो बच्चों ये हमारा रूल नंबर वन हो जाएगा, इसको बाद में आप कॉपी करना. रूल नंबर वन क्या होगा? सिलेक्ट अ सिक्योरिटी विद highest return if two securities have same risk. भाई दो securities का अगर risk same है तो किसको select करोगे? जहां पर return ज्यादा होगी. ठीक है सर, कोई doubt यहां पर? नहीं. तो हमने कहा सर ये जो selected, ये जो security होगी क्या हो जाएगा? ये rejected, और ये क्या हो जाएगा? accepted. अब सर हमने पहले दो को कंपेयर कर लिया, पहले दो को कंपेयर कर लिया. अब क्या करेंगे? कंपेयर नंबर टू. कंपेयर टू, और कंपेयर टू क्या होगा?
इन दोनों को सिलेक्ट, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ए एंड बी को, राइट। अब ए एंड बी को ध्यान दो, ए और बी में जो रिटर्न है वो कैसी है? रिटर्न सेम है। अब अगर रिटर्न सेम है तो बताओ किसको सिलेक्ट करना चाहोगे, जिसमें रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। बताओ ये कोई सिखाने वाला लॉजिक है, ये कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है। दो प्लेसेस हैं जहां पर कि रिटर्न तो सेम मिल रही है, बट एक जगह पर रिस्क कम है, एक में ज्यादा है, तो ऑब्वियस ज्यादा रिस्क वाले को हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, राइट। सो नाउ आई कैन से कि कौन से को रिजेक्ट कर देंगे? बी को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, राइट। तो रूल नंबर टू क्या हो जाएगा? सिलेक्ट अ सिक्योरिटी विद, यस प्लीज, सिलेक्ट अ सिक्योरिटी विद, क्या लिखूं मैं? लोएस्ट रिस्क। इफ टू सिक्योरिटीज हैव, हाँ जी, सेम रिटर्न, दो सिक्योरिटी में अगर रिटर्न सेम है तो ऐसे सिक्योरिटी को सिलेक्ट करो जहां पर कि रिस्क कम है, ठीक है सर? ओके, और आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास ए आ गया, बी तो रिजेक्ट हो गया, अब ए को किससे कंपेयर करेंगे? एफ से। सो दिस इज कंपैरिजन नंबर थ्री। कंपैरिजन नंबर थ्री है ए एंड एफ। नाउ वी आर कंपेयरिंग ए एंड एफ। बच्चों ए एंड एफ को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है? ए अच्छा है, सोच लो, ऐसा क्यों? फिर से इन दोनों प्लेसेस पर, मतलब अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, ए की बात करनी है और एफ की बात करनी है, एफ रिटर्न तो सेम है, राइट, जबकि रिस्क ए में कम है और एफ में ज्यादा है, राइट। यहां पर तो कौन सा रूल लग गया? रूल नंबर टू, राइट। सो नाउ आई कैन से, क्या कहेंगे कि सर अभी भी हम लोग किसको रिजेक्ट कर देंगे? एफ को। एफ इज रिजेक्टेड एंड ए इज सिलेक्टेड। तो अभी तक जो ए है ना, अभी तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, ए के साथ अब कंपेयर करते हैं ई को, ए एंड ई। ए एंड ई ना, नहीं, बी तो पहले से रिजेक्ट हो चुका है, जो रिजेक्ट हो चुका है उसको तो छोड़ दिया, अभी तो एक्सेप्टेड कौन बना हुआ है? ए। अब ए को कंपेयर करेंगे ई से। अब ए और ई में ध्यान देखो, ए एंड ई, हाँ जी, रिटर्न बढ़ रही है, 10 से कितनी हो रही है? 11, और रिस्क भी क्या हो रहा है? मतलब अगर कोई इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहेगा तो ए में इन्वेस्ट करेगा, अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहेगा तो बी में इन्वेस्ट करेगा, ई में इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहेगा तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ए में। ज्यादा रिस्क लेना चाहेगा तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ई में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए तो सिलेक्टेड है ही, ई भी सिलेक्टेड हो गया, बोथ आर सिलेक्टेड, यहां पर कोई अभी रिजेक्टेड नहीं आया, क्योंकि क्योंकि यहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, राइट, और यही हमें चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सर, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं है, ये क्वेश्चन रिजेक्शन का है कि कौन से सिक्योरिटीज को हमें सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट। सो अच्छा, अब किसको कंपेयर करेंगे? ई एंड सी को, राइट। देखिएगा, रिटर्न बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है? 11 से 15, और रिस्क क्या हो रहा है? 6 से 13। तो रिस्क भी बढ़ रहा है और रिटर्न भी बढ़ रहा है, जब दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं तो इज इट गुड और बैड? दैट इज गुड। अगर कोई इन्वेस्टर 6% का रिस्क लेना चाहेगा तो वो कहां इन्वेस्ट करेगा? ई में। और अगर कोई पर्सन ज्यादा रिस्क लेना चाहेगा 13% का, तो वो कहां इन्वेस्ट करेगा? सी में, राइट। तो अब आपके पास सिलेक्टेड सिक्योरिटीज कौन कौन से लास्ट में बच गई हैं? ए, ई, सी, और आपको कितनी सिलेक्ट करनी थी? 3, राइट। सो नाउ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज आर सिलेक्टेड सिक्योरिटीज आर ए, ई एंड सी, एंड रिस्क परसेंटेज एंड
रिटर्न परसेंटेज ए के लिए देख लो, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, रिस्क है 5%, रिटर्न है 10%। ई की बात करें तो रिस्क इज 6%, रिटर्न इज 11%, एंड सी की बात करें तो 13% एंड 15%। और वो जो भी है सिलेक्टेड सिक्योरिटीज लास्ट में बच जाएगा ना, उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा इन सिक्योरिटीज के अंदर, क्या रिलेशनशिप होगा, दे हैव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्क एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिटर्न। अच्छा दी बेस्ट बताओ इनमें से कौन सा है, आदत छोड़ दो जल्दी से जल्दी बताने की। वी कांट से इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स चॉइस। हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजर जरूर हैं, बट हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। हम तो किसकी मर्जी से काम करेंगे, इन्वेस्टर की, राइट। हम उसको एडवाइस कर देंगे कि भाई तू ए ई और सी में से कोई सिलेक्ट कर ले, इसके अलावा जो बाकी है ना बी है सी है डी है उसको सिलेक्ट मत कर, राइट। हमने ये एडवाइस कर दिया, अब एडवाइस करने के बाद वो कहता है कि कोई एक बताओ, तो हम उसको हम देखेंगे उसकी रिस्क टेकिंग पावर क्या है। रिस्क टेकिंग पावर लीस्ट है, सबसे कम है, तो कहेंगे कि भैया ए में चला जा। रिस्क टेकिंग पावर हाईएस्ट है, एग्रेसिव है इन्वेस्टर, तो हम कहेंगे कि सी में चला जा। सो वी कांट से कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, रिस्क टेकिंग पावर। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये स्टडी मेटल में भी है, राइट। मतलब ये मैंने अपने आप से नहीं दिया है, दिस इज इन द, आपको लगता है ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं? यस सर, यहाँ से पेपर वो स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में एज इट इज आते हैं, राइट। अच्छा इसके अलावा हम लोग इसी सबको ना एक ग्राफ के फॉर्मेट में बना सकते हैं, इसको बोलते हैं एफिशियंट फ्रंटियर ग्राफ। Everything is same, but we are working on the graph only. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सेम नंबर पे एक ग्राफ डाल देते हैं, राइट। और हमें इस पे क्या दिखाना है बच्चों, ये क्वेश्चन था, हमारे दो ही चीजें हैं, एक रिस्क है और एक रिटर्न है। तो हम लोग ये रिस्क और रिटर्न को दिखाते हैं, रिस्क को दिखाते हैं एक्स एक्सिस पर और रिटर्न को दिखाते हैं वाई एक्सिस पर। तो रिस्क को एक्सेस पर जो दिखाना है वो 5 से लेकर कहां तक जाना है, 13 तक, 5 से 13 तक। तो अगर 5 से 13 तक जाना है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करें, दो से 13 तक जाना है, चल जाएगा। तो तीन तीन का गैप ले लेते हैं, 3%, 6%, 9%, 12% और 15%, राइट। अच्छा रिटर्न कहां से कहां तक है, रिटर्न देख लो, लास्ट रिटर्न जो है वो कितना परसेंट है, 15%। तो यहाँ पर भी गैप हम लोग 3-3% का ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15, राइट। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो है नंबर, ये क्या चीज है, क्या बताया आपको मैंने, रिटर्न। और ये जो है ये क्या है, रिस्क, राइट। जैसे कि ग्राफ पर हमेशा होता है x एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस का पॉइंट, और इसको हमने ग्राफ अपलोड करना है। कैसे करेंगे, लेट्स से दिस, देखो पहला पॉइंट क्या है, रिस्क 5 रिटर्न 10, रिस्क 5 और रिटर्न 10। तो कैसे अपलोड करेंगे, 3, 4, 5, 6, तो 5 तो ये आ गया और रिटर्न आ गया 10, तो 9, 10, तो इनको मैच कर देंगे, राइट। तो ये जो प्लेस आ गया इसको हम क्या बोलेंगे, यस प्लेस सिक्योरिटी ए, सही है ना। अच्छा अगला नंबर क्या है बच्चों, बी। बी में देखो रिस्क कितना है, 6% और रिटर्न कितना है, 10%, 6 और 10, तो 6 ये रहा 10 ये रहा, तो ये आ गया सिक्योरिटी, ये कौन सा सिक्योरिटी आ गई, बी। नेक्स्ट 13 और 15, 13 और 15, ये टॉप पर चला गया, और ये कौन सा पॉइंट है, सी। एंड देन डी, मतलब डी में क्या है, 5 और 5, 4, 5, 4, 5, 5 और 5, राइट। और ये क्या है, डी, राइट। और इसके बाद है 6, 11, ई है 6 और 11, 9, 10, 11, 6, 11,
और बच्चों ये जो लेवल है ये कौन सा है, ये क्या चीज है, ई ई है ना। एंड देन एफ, एफ में क्या है, 7 एंड 10, तो 6 7 और 10, 6 7 और 10 मतलब 7 एंड 10 है, तो ये अराउंड यहां पर आ जाएगा, ये आ गया एफ। एक मिनट क्लू पर देखेंगे, हाँ जी एक मिनट क्लू पर देखेंगे, जस्ट 1 मिनट प्लीज हेयर, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा कभी भी कॉपी करने के लिए समझाते हुए, राइट। मैं मुझे मालूम है बच्चों की बहुत अच्छी आदत होती है, ये आदत ही होती है, मतलब टीचर पढ़ा रहा होता है और वो कॉपी करते हैं, टीचर मना करता रहता है बस बच्चे कॉपी करते हैं। मैंने पहले मना करता, नहीं जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आगे देखना है, आगे देखना, आगे देखना, पहले मैं ऐसे बोलता था, राइट। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं अपने आपको बदल लेता हूँ, ठीक है बच्चों करो जो कर कॉपी करना है करो, बट जब मैं आपको बोल दूं भाई 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए देख लो, तो 2 मिनट के लिए देख लिया करो बस, ठीक है। बच्चों का सबसे फेवरेट काम है कॉपी करना, इसमें कोई शक ही नहीं है, राइट। वो एग्जाम भी कॉपी करने के बेसिस पे ही देने जाते हैं, यस नो 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 नो, अच्छे बच्चे नहीं जाते, गंदे बच्चे जाते हैं। अच्छा ऊपर देखो, अब आपको क्या करना है, ये सारे ग्राफ आ गए, मतलब सारे पॉइंट सामने प्लॉट कर दिए, जैसे ही सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए ना, जो अपर साइड के लेवल हैं, जो अपर सेवल साइड के लेवल है 1 2 3, इनको रफ हैंड से मिला देना, स्केल नहीं, किससे, रफ हैंड से। अब सर ये हायर साइड है तो इसके ऊपर तो कोई होगा ही नहीं, मतलब यहां पर इसके ऊपर तो अब कोई होगा होगा नहीं, क्योंकि आपने कौन से पॉइंट्स को मिलाया हुआ है, हायर साइड पे। अब जितने भी सिक्योरिटीज होंगे वो सब कहां पर होंगे, लोअर साइड में। और सर ये जो लोअर साइड में जितने भी सिक्योरिटीज होंगे ना, लाइक दिस दिस दिस, ये जितने भी सिक्योरिटीज होंगी, दीज आर कॉल्ड रिजेक्टेड सिक्योरिटीज, राइट। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन जो की थी उसमें डी बी एंड एफ क्या था, रिजेक्टेड सिक्योरिटीज, राइट। और जो एक्सेप्टेड सिक्योरिटी थी वो कौन कौन सी थी, ए सी, राइट। तो बेसिकली ये जो अब लाइन बन गई ना, इस मतलब जो ये कर्व बन गया, इसी को क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व। एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व क्या बताता है, कि जो जो सिक्योरिटीज एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व पर लाई कर रही हैं, वो तो हमारी क्या बन जाएंगी, यस प्लीज, सिलेक्टेड, और नो डाउट दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न, राइट। और जो भी सिक्योरिटीज इनके नीचे की तरफ लाई करेंगी, ऑल दी सिक्योरिटीज आर रिजेक्टेड सिक्योरिटीज, आई थिंक क्लियर, बक्का बक्का। अच्छा हम आगे प्रोसीड करते हैं, प्लीज कॉपी की दिस, अब आप कॉपी कर सकते हैं, बैग में, इसके बैग में क्या है, ये तो कॉपी कर लिया था नहीं, अच्छा रूल 1 2 प्लीज कॉपी करें, कहाँ और पीछे बच्चों, किसी का भी अगर कॉपी नहीं हुआ हो तो वो जरूर कॉपी करने के लिए मुझे रुकवा दें, राइट। एंड बिलीव मी मैं रुक जाऊंगा, पक्का रुक जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो अभी समझा वो तो अभी आपके माइंड में है, बट सर जो आपने समझा वो आपके एग्जाम से पहले रिवाइज होगा, वो कहाँ पर होगा, रजिस्टर में। अगर आपके रजिस्टर में नहीं गया तो मतलब एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं हो सकता, इसलिए आप जब भी बोलेंगे कि सर आप रुक जाओ मुझे ये कॉपी करना है वो कॉपी करना है, डेफिनेटली आप मुझे रुकवा दें, आई विल स्टॉप एंड वेट फॉर यू, पर सर कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो मैं कहता हूँ चलो बाद में कर लेगा, राइट। कॉपी कर लिया ये, पक्का, हाँ जी पीछे प्लीज कॉपी दिस, हाँ जी 5 मिनट, अच्छा क्लास है, हाँ जी क्लास किस किस की है, इसके बाद कितने बजे हैं, टाइमिंग 2:15, वेरी नाइस, बस 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया था, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट सर इसके जैसा एक क्वेश्चन है, जैसे 53 क्वेश्चन, एक बार 53 क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लो, नेक्स्ट नेक्स्ट 53 क्वेश्चन देख लो एक बार, प्लीज देख लो एक बार, जस्ट देखना है, हाँ जी हो जाएगा या नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा, तो ये आप करेंगे। 55 क्वेश्चन का ए पार्ट, पहला पार्ट देखो क्या कहता है, 55 का ए पार्ट ये कहता है, 5 ऑफ दीज पोर्टफोलियोज आर एफिशियंट एंड देर आर 3 आर नॉट,
व्हाट आर द इनएफिशिएंट वंस, आपको क्या बताना है इनएफिशिएंट कौन से हैं। हाँ जी हो जाएगा या नहीं? बस ये छोटे से छोटे दो पार्ट आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, राइट सर। तो बच्चों इतना करते हैं हम लोग आज की क्लास में, इसका आगे नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।